राम राम दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज चली हुई है उसके अंतर्गत हम ग्रुप डी जो एचएससी का जो पेपर हुए थे ग्रुप डी के, उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन को आपने ध्यान से देखना है, ध्यान से पढ़ना है। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ इस बारे में कि ये जो टाइम है ये अपने आप को निखारने का टाइम है। किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ सिलेबस पढ़ना पर्याप्त नहीं होता बच्चों, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। कई बार क्या होता है, हमें क्वेश्चन आता होता है उस चीज का पता होता है, लेकिन एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है उसका हम जवाब देने में कामयाब नहीं हो पाते। कई बार तो क्या है कि हम क्वेश्चन के लास्ट तक नहीं पहुंचते, इसमें है पूछता या नहीं है पूछता है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं, और आपने देखा होगा बहुत से बच्चे नहीं, मोस्टली बच्चे ऐसे हैं जिनके 4 से 5 क्वेश्चन हमेशा वो गलत होते हैं जो उन्हें आते हैं, आते हुए गलत होना, और हम मेरिट से वंचित रह जाते हैं। तो इसलिए इनकी प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन किस तरह से पूछ रहा है उसका जवाब कैसे देना है, ये चीज हम सारी प्रैक्टिस के थ्रू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनके थ्रू सीखेंगे। इसके अलावा आगामी जो परीक्षाएं हमारी, उनके लिए बहुत से जो नए पॉइंट हैं जो पेपर में नहीं आए उनसे रिलेटेड वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम जो डिस्कस करेंगे वो एचएससी ग्रुप डी मॉर्निंग सेशन का पेपर है 18 नवंबर 2018 को। 18 नवंबर 2018 को मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर एचएससी ग्रुप डी का, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन है, जहां अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत अर्थ की व्यंजना की जाती है वहां कौन सा अलंकार होता है। अप्रस्तुत उपमान को कहते हैं, उपमान को अप्रस्तुत, और प्रस्तुत कहते हैं उपमेय को। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। काव्य की जिन पंक्तियों में उपमान या अप्रस्तुत के माध्यम से उपमेय या प्रस्तुत का वर्णन किया जाए, उपमान या अप्रस्तुत के माध्यम से उपमेय या प्रस्तुत का वर्णन किया जाए, तो वह कौन सा अलंकार होता है। अन्योक्ति अलंकार होता है, अन्योक्ति अलंकार होता है बच्चों। जैसे हम ये कहें कि जिन दिन देखे वे कुसुम, जिन दिन देखे वे कुसुम गई सो बीत बहार अब अली रही गुलाब में, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार, अपत कटीली डार। क्या कहता है कवि कि जिन दिन देखे वे कुसुम गई सो बीत बहार अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। ये जो दोहा है एक राजा के बारे में है, राजा जो कि बहुत अमीर था, बहुत दानवीर था, लोगों को बहुत सा धन देता था, दान दिया करता। एक बार क्या हुआ, उसके दर पे एक भिखारी आ जाता है, तो राजा उस भिखारी को बहुत सा धन देता है, और वो भिखारी उस धन को ले जाकर किसी दूसरे स्थान पे बहुत दूर जाके खुशी खुशी रहने लग जाता है। काफी समय बीत जाता है, भिखारी का धन समाप्त हो जाता है, उसे राजा की याद आती, तो राजा से मिलने के लिए चल पड़ता है, और जब तक राजा के द्वार पर पहुंचता है तब तक राजा कंगाल हो जाता है। तो जो द्वारपाल है वो उसको सीधा तो यूं कहे कैसे कि तू चला जा यहां से, तुझे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि खुद कंगाल हो बैठा है। तब वो उसको समझाता है, द्वारपाल उस भिखारी को कहता है कि जिन दिन देखे वे कुसुम, कुसुम मतलब फूल, गई सो बीत बहार, हे भंवरे जब तूने इस गुलाब के पौधे पर फूल देखे थे वो बहार बीत चुकी है, अब अली रही गुलाब में अली भंवरा, हे भंवरे अब तो इस गुलाब के पौधे में क्या शेष है, अपत बिना पत्तों की कटीली कांटेदार डार, डार मतलब डाली। बच्चों आपने देखा होगा एक मौसम आता है जब गुलाब के पौधे पर फूल खिलते हैं, और एक मौसम ऐसा भी आता है कि जब गुलाब के पौधे पे फूल भी झड़ जाते हैं, पत्ते भी झड़ जाते हैं, सिर्फ एक डाली बचती है कांटेदार। मतलब क्या है कि जब तेरे कोई धन दिया करता वो समय बीत चुका है, अब तो राजा खुद कंगाल हो गया है। तो यहां किसको माध्यम बनाता है, गुलाब को, किसको माध्यम बना रहा है, गुलाब को माध्यम बना के, और राजा की स्थिति का वर्णन कर रहा है, मतलब उपमान के माध्यम से
अप्रस्तुत के माध्यम से, उपमान या अप्रस्तुत के माध्यम से उपमेय या प्रस्तुत का वर्णन करता है वह कौन सा अलंकार होता है? वह अन्योक्ति। जैसे बच्चों आपने पढ़ा होगा, नहीं प्राग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बांधो, आगे कौन हवाल। ठीक है, नहीं प्राग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। ये जो दोहा जो है राजा जयसिंह और उनकी नवोढ़ा, नवोढ़ा होती है नवविवाहित पत्नी, नवोढ़ा नवविवाहित पत्नी, उनके बारे में, जो राजा जयसिंह की नवोढ़ा थी उनकी नवविवाहित पत्नी, वो थोड़ी सी कमसिन थी, कमसिन मतलब कम उम्र, कच्ची उम्र थी, और राजा जयसिंह उसके प्रेम में इतना पागल हो जाता है कि राजपाट सब कुछ भूल जाता है। तो कवि बिहारी उसको चेताते हुए, कवि बिहारी जो है वो उसको चेताते हुए लिखता है, नहीं प्राग ना इसमें प्राग है, नहीं मधुर मधु ना इसमें मिठास है, नहीं विकास ही काल और ना इसका अभी तक पूरा विकास हुआ है, अली कली ही सो बंध्यो, हे भंवरे जब इस कली ने तुझे इतना बांध लिया, आगे कौन हवाल, तो आगे तेरा रखवाला कौन होगा। मतलब यहां अली और कली को माध्यम बना के राजा जयसिंह और उनकी नवोढ़ा का वर्णन करता है, मतलब उपमान या अप्रस्तुत के माध्यम से उपमेय या प्रस्तुत का वर्णन करता है, इसलिए कौन सा अलंकार है? अन्योक्ति। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि दस हैं आनंद जिसके, दस हैं आनंद जिसके, दशानन यानी कि रावण, यह कौन सा समास है? बच्चों दस हैं आनंद जिसके वह अर्थात रावण, दशानन कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास वो होता है जिसमें ना पूर्व पद प्रधान हो ना उत्तर पद प्रधान हो, मतलब ना पहला पद प्रधान ना दूसरा पद प्रधान, किसी तीसरे पद की प्रधानता हो, या हम ये कह सकते हैं कोई भी पद प्रधान नहीं, दोनों अप्रधान या दोनों गौण होते हैं। ठीक है, वो होता बहुव्री। जैसे दशानन, दशानन जो है इसका पूर्व पद है दस, उत्तर पद है आनन, लेकिन आनन मतलब मुख, दस मुखों वाला, लेकिन दशानन किसको कहते हैं? रावण को। तो इसमें ना तो ये पूर्व पद प्रधान ना ये उत्तर पद प्रधान, किसी दूसरे किसी तीसरे पद की प्रधानता है, तो इसलिए कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है, मतलब जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़ के किसी विशेष अर्थ को प्रकट करे, जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़ के किसी विशेष अर्थ को प्रकट करे, तो वो कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये देखिए, घर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तुमने सबसे पहले इस चीज पे ध्यान जाना चाहिए, है पूछ रहा के नहीं है, बहुत से क्वेश्चन हम ऐसे ही गलत करते हैं। तो पर्यायवाची नहीं है, तो पर्यायवाची बच्चों निलय होता है, सदन भी होता है, निकेतन भी होता है, भुवन नहीं होता बच्चों, इसका पर्यायवाची भुवन नहीं होता, भवन होता है, भुवन होता है संसार, भुवन क्या होता है? संसार। ठीक है, तो घर के जो पर्यायवाची आपके घर, गृह, ग्रीस से बनता घर, गेह, इसके अलावा निलय, भवन, सदन, निकेत, निकेतन, वास, आवास, निवास, मंदिर, इसके अलावा ओक, इसके अलावा बच्चों शाला, शाल, आल्य, आगार, ये सारे किसके पर्यायवाची हैं? घर के पर्यायवाची हैं। चाहे आप गृह कहो, गे कहो, निलय है, भवन है, सदन है, निकेत, निकेतन, वास, आवास, निवास, मंदिर, ओक, शाला, शाल,
आलय या आगार, कहते हैं ना विद्यालय, विद्या के लिए घर, स्नानागार, स्नान के लिए आगार, घर, ठीक है। जैसे घुड़शाल, घोड़े की शाल जहां उसको रखते हैं, घर। पाठशाला, पाठ के लिए शाला, ओक। जैसे हम कहते हैं ना मानस प्लस ओक, हमारी संधि आपने पढ़ी होगी, तो मान सौक बनता, वृद्धि संधि का उदाहरण है। तो मानस मान सरोवर के लिए, मान सरोवर जो है, और ओक घर, मान सरोवर है घर जिसका, यानी कि हंस। मान सौक किसका पर्यायवाची है? हंस का, ठीक है। तो इस प्रकार है बच्चों, निकेतन, शांति निकेतन वगैरह इस तरह हम लिखते हैं। वास, आवास, सदन, भवन, निलय, ये सारे इसके पर्यायवाची है। अगर हम संसार की बात करें, संसार, तो संसार के जो पर्यायवाची हैं, लोक, मृत्यलोक, जहान, भुवन, सृष्टि, संस्कृति, ये सारे के सारे क्या हैं? संसार के पर्यायवाची बच्चों। चाहे आप लोक कहो, मृत्यलोक कहो, जहान कहो, भुवन कहो, सृष्टि कहो, संस्कृति, इसके अलावा जग, जगत, जग, जगत, ये सारे किसके पर्यायवाची हैं? संसार के। तो नेक्स्ट देखिए अगला। तो बच्चों साथ में सिर्फ हमने ये नहीं पढ़ना, हमने इससे रिलेटेड और बहुत से क्वेश्चन करने जो आगामी परीक्षाओं में हमारे काम आएंगे, तो इसलिए साथ में ये सारी चीजें आप सीखते चलिए। नेक्स्ट देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है बच्चों, ये क्या क्वेश्चन है हमारा अगला, वो देखिए। आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ है। आंखें चार होना, कठिनाई में पढ़ना गलत है, क्रोध करना गलत है, नींद आना गलत है, एक दूसरे को देखना या आमना सामना होना, आमना सामना होना, आमना सामना होना, आंखें चार होना, एक दूसरे को देखना या आमना सामना होना। जैसे हम कहते हैं कि जनक वाटिका में जैसे ही राम और सीता की आंखें चार हुई, तो सीता जो है शर्माकर वहां से चली गई। जैसे ही जनक वाटिका में जैसे ही राम और सीता की आंखें चार हुई, मतलब उनका आमना सामना हुआ या एक दूसरे को देखा, वैसे ही सीता जो है शर्माकर वहां से चली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला हमारा क्वेश्चन है ये, क्या क्वेश्चन है? धोती शब्द का बहुवचन रूप, धोती, तो धोती का बहुवचन है धोतियां। जब स्त्रीवाचक शब्द हो, स्त्रीवाचक, जैसे धोती स्त्रीवाचक है, और इकारांत हो, बड़ी ई हो, तो इया लग जाता है। इया का अर्थ क्या? या प्रत्यय लगाएंगे और बड़ी किस में परिवर्तित हो जाएगी? छोटी में। धोती क्या बनेगा? धोतियां, धोती, धोतियां, ठीक है। नदी, नदियां, ठीक है बच्चों। बड़ी किस में परिवर्तित? छोटी में। जैसे आप लिखते हो दवाई, इसका बहुवचन बनाओगे तो दवाइयां, तो क्योंकि ये स्त्रीवाचक शब्द है, अंत में बड़ी है, तो अंत में या प्रत्यय, लेकिन बड़ी किस में परिवर्तित? छोटी में। तो वर्तनी में ध्यान रखना, दवाई यो लिखा जाता और दवाइयां यो शुद्ध होता है। अगर हम दवाइयां यो लिखेंगे तो बच्चों ये अशुद्ध हो जाएगा। मिठाई यो शुद्ध है, लेकिन मिठाइयां यो शुद्ध होगा, क्योंकि नियम हमारा, जब भी हम स्त्रीवाचक शब्द हो, एक वचन से बहुवचन बनाएं, तो अगर अंत में बड़ी ई हो या बड़ा ऊ हो, तो बड़ी है तो छोटी में परिवर्तित, बड़ा ऊ है तो छोटे ऊ में परिवर्तित हो जाता है, और यहां प्रत्यय लग जाता है। कठिनाई इस प्रकार कठिनाइयां यो, लड़ाई इस प्रकार लड़ाइयां यो, बधाई यो बधाइयां यो, ठीक है, इकाई यो इकाइयां यो हो जाएगा। तो ये वर्तनी में बड़े काम आते हैं, ध्यान रखिए।
तो हम सिर्फ बहुवचन नहीं पढ़ रहे, साथ में वर्तनी ही पढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा हर चीज सुनिए, परीक्षा में बहुत काम आएगी बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है अगला हमारा क्वेश्चन। सरला से फल खाया जाता है, यह वाक्य कृत्रिवाच्य में क्या होगा? सरला से फल खाया जाता है, ठीक है। तो बच्चों एक्चुअल में अगर हम देखें, हमें कृत्रिवाच्य का नहीं पता, क्रमवाच्य का, भाववाच्य का नहीं पता, तब भी कई बार हम बता सकते हैं कैसे। देखो खाया जाता है यह वर्तमान में है, यह किस में है? वर्तमान काल में खाया जाता है। ध्यान देना, ऑप्शन एलिमिनेट करके मैं बता रहा हूं। सरला फल खाई, क्या आपको शुद्ध लग रहा वाक्य है? सरला फल खाई नहीं, या तो सरला फल खाती है ये होता, तो इसका मतलब ये तो वाक्य अशुद्ध है, कैंसिल। सरला ने फल खाया, ये हो सकता है सरला ने फल खाया। लेकिन बच्चों क्योंकि ये भूतकाल में है, फल खाया किस में? भूतकाल में है, तो इसका अगर आप क्या बनाओगे? क्रमवाच्य, क्योंकि हमने कृत्रि बताना है, इसका मतलब ये ऑप्शन में कृत्रि है और ये क्या है? इसका क्रमवाच्य, तो इसका भूतकाल में बनेगा, सरला से फल खाया गया, यो बनेगा, तो ये भी ऑप्शन गया हमारा। सरला ने फल खाई व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, सरला ने फल खाई अशुद्ध है, तो एक ऑप्शन बचा सरला फल खाती है, तो ये हमारा आंसर हुआ। और वैसे हम करते कैसे हैं वो देखिए बच्चों, कृत्रिवाच्य से जब भी क्रमवाच्य में बनाए, मतलब ये कृत्रिवाच्य इससे क्रमवाच्य बनाए, तो पहली बात इससे वो बनाते हैं, तो क्रमवाच्य जब भी बनता है तो कर्ता के साथ जो चिन्ह आता है वो आता है से या द्वारा या के द्वारा, ठीक है। तो सरला से आ गया, फिर इसमें जो क्रिया है वो कर्म के लिंग वचन के अनुसार चलती है, कर्म के लिंग वचन के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। मतलब अगर कर्म आपका एक वचन है तो क्रिया एक वचन में होगी, पुलिंग है तो क्रिया पुलिंग में होगी। तो यहां फल कर्म है, क्या खाती है? फल, जवाब मिलता ना, तो फल कर्म है। तो फल क्या है? पुलिंग है और एक वचन है, तो फल खाया, ठीक है। तो फल खाया एक वचन में क्रिया आई और पुलिंग में आई। तीसरा जाना क्रिया, जाना क्रिया का उचित रूप सहायक क्रिया के रूप में आ जाता है, जाना क्रिया का उचित रूप सहायक क्रिया के रूप में आ जाता है। तो बच्चों देखो खाया, इसके बाद क्या आया? जाता है, जाना क्रिया अपने आप आ गई सहायक क्रिया के रूप में, मतलब इसका ये बन रहा है, क्योंकि टेंस तो वही रखेंगे, ये प्रेजेंट दे, प्रेजेंट में आएगा। अगर हम इसका बनाते सरला ने फल खाया तो क्या बनता? सरला क्या लगाएंगे? क्रमवाच्य बनाएंगे कृत्रि से द्वारा के द्वारा, सरला से या सरला द्वारा, फिर फल, फिर खाया, फल के अनुसार क्रिया हुई, एक वचन है एक वचन, पुलिंग है पुलिंग, ठीक है। और जाना क्रिया अपने आप आ जाएगी, भूतकाल में आएगा गया या गई, वर्तमान में जाता है या जाती है, और भविष्य में जाएगा या जाएगी या जाऊंगा, इस प्रकार, ठीक है। बाकी वाच्य पे एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे बच्चों, उसको जरूर देखना, क्योंकि यहां तो हम अगर वाच्य को एक्सप्लेन करने लग गए तो एक लेक्चर वाच्य का ही चाहिए हमें, तो यहां तो मैं आपको सीधा डायरेक्ट बता रहा हूं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ बच्चों, लड़का कपड़े धोता है, इस वाक्य में कपड़े शब्द का पद परिचय देना है, कपड़े शब्द का पद परिचय, ठीक है। तो पद और शब्द दोनों एक ही चीज है, पद और शब्द दोनों क्या है? एक ही चीज है। फर्क सिर्फ कितना है कि पद स्वतंत्र इकाई होती है, वो शब्द कोश में मिलता है, जब तक वो डिक्शनरी में है अकेला है वो शब्द है, और जब वही वाक्य में प्रयोग हो जाता है, वही शब्द वाक्य में प्रयोग कर ले और व्याकरणिक नियमों में बन जाए तो वो पद बन जाता है। जैसे लड़का, वैसे अगर मैं यहां लड़का लिखता हूं ये एक शब्द है, लेकिन इस वाक्य में लड़का एक पद है,
कपड़े एक पद है, धोता एक पद है एक पद है, ये सारे के सारे क्या बनेंगे, मतलब पद कहां मिलेंगे वाक्य में और शब्द कहां मिलेंगे डिक्शनरी में, शब्दकोश में। तब इसका परिचय देना है कपड़े का, व्याकरणिक आधार पे उसका परिचय देना, भाई वो कौन सी संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्या है, ठीक है, एक वचन है, बहुवचन है, उसका वचन बताना, लिंग बताना, उसका कारक कौन सा है, वो इस तरह की चीजें बताना, वो सारा क्या उसका परिचय। तो कपड़े की बात करें हम, तो कपड़ा क्या है बच्चों, कपड़ा जातिवाचक संज्ञा है, संज्ञा में कौन सी है, जातिवाचक। कई बार तो इतने से आंसर मिल जाएगा, कैसे, पहला क्या है भाववाचक, नहीं हो सकता, दूसरा क्या है व्यक्तिवाचक, तीसरा क्या जातिवाचक, ये ऑप्शन हो सकता है, क्यों हो सकता है जातिवाचक, एक से ज्यादा ऑप्शन में हो, अगला क्या भाववाचक, इसका मतलब एक ही हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, एक ही हुआ, ठीक है, कौन सा ऑप्शन सी। लेकिन पूरा परिचय चलो हम देख लेते हैं, क्या ये इस पे लागू होता है, जातिवाचक है बिल्कुल है, पुलिंग बिल्कुल है, कपड़ा क्या है पुलिंग, क्योंकि हम यूं कहते ना कपड़ा फट गया, कपड़ा फट गया, फट गई तो नहीं कहते, पुलिंग है, बहुवचन है, क्योंकि हम कपड़ा का नहीं बता रहे, यहां तो कपड़ा वैसे लिख दिया, हमें किसका बताना, कपड़े का, तो कपड़ा एक वचन होके बहुवचन है। इसके अलावा कर्म कारक है, बिल्कुल है कर्म, क्योंकि कर्म की पहचान क्या होती, क्रिया से क्या पहले, क्या किसे किसे, क्या किसे किसको लगा के प्रश्न करेंगे जवाब मिलेगा तो कर्म है, नहीं तो नहीं है, तो क्रिया ये है, इससे पहले क्या धोता है, जवाब मिला कपड़े, कर्म है, और कर्म किसका है, धोता है, क्रिया का कर्म है, बिल्कुल है, धोता है, क्रिया का कर्म है, तो कौन सा ऑप्शन हुआ, सी ऑप्शन। नेक्स्ट अगला देखिए बच्चों, अगला हमारा क्वेश्चन है ये कि विद्या प्लस अभ्यास, विद्याभ्यास कौन सी संधि है, तो विद्या प्लस अभ्यास, विद्याभ्यास कौन सी संधि है, तो आप सभी जानते हो कि यह दीर्घ संधि का उदाहरण है, क्यों, क्योंकि विद्या तो वी प्लस द प्लस य प्लस आ, विद्या प्लस ए, भ्यास को चाहिए का ही लिख लो, जहां में संधि करनी है सिर्फ वहां हम क्या कर लेते हैं, टुकड़े कर लेते हैं, आ और ए मिलके क्या बनता है, आ, वर्ण विच्छेद करोगे तो विद य प्लस आ या भ्यास, विद्याभ्यास, ठीक है। तो बच्चों द्य को यूं भी लिख देते हैं, ये जो है ना ये द्य है, द्य द्य और य को मिलके बनता द्य, और ये होता धै, धै धनुष, ये विद्या, ठीक है, तो विद्या हम यूं भी लिख सकते हैं और विद्या हम यूं भी लिख सकते हैं, विद्या। आजकल इसका मानक रूप ये है बच्चों, इसकी बजाय कभी ऑप्शन में आ जाए ना तो हम इसको चूज करें, क्योंकि अब वर्तमान में मानक रूप ये है, ठीक है। तो आप जानते हो कि ए या आ में ए या आ जुड़ता है तो आ बनता है, ए या आ में ए या आ जोड़ते हो तो क्या बनता है, आ बनता है, तो ये कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखिए हम, जो अगला हमारा क्वेश्चन ये है, ये देखिए कि शौक जो है वो किस रस का स्थाई भाव है, HSC ने बहुत बार पूछे बच्चों ये, तो आपको ना सारे रसों के स्थाई भाव याद होने चाहिए, मेनली 9 रस थे शुरू हुए, उसके बाद दो और ऐड हुए 11 रस हो गए, तो 11 के 11 रसों के स्थाई भाव आपको पता होना चाहिए, ग्रुप डी के हर सेट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो शौक किसका है, करुण रस का, करुण रस का स्थाई भाव क्या है, ये रस है, ये इसका स्थाई भाव है, मतलब किसी से अगर हम बिछड़ते हैं बहुत लंबी जुदाई, बहुत लंबी, या किसी की मौत हो जाए तो उससे जो शौक उत्पन्न होता है उसके कारण हमारे अंदर करुण रस उत्पन्न होता है, तो करुण रस किसके कारण उत्पन्न हुआ, शौक के कारण, तो ये इसका स्थाई भाव है। वीर रस का स्थाई भाव होता है उत्साह है, वीर रस का कौन सा होता है, उत्साह है। रौद्र रस क्रोध के कारण उत्पन्न होता है, रौद्र रस क्रोध के कारण उत्पन्न होता है, तो इसका स्थाई भाव क्या है, क्रोध। और शांत जो है उसका स्थाई भाव होता है निर्वेद या शम, यानी कि शांति, ठीक है। तो इन चारों के मैंने आपको बता दिए
किसका पूछा था शोक किसका स्थाई भाव है, तो शोक है करुण रस का, वीर रस का क्या है उत्साह, रौद्र का क्रोध, शांत का निर्वेद या शम, ठीक है। इसी प्रकार भयानक रस का होता भय, भयानक रस का स्थाई भाव भय है। श्रृंगार रस जिसे रसराज कहा गया है, सबसे प्रमुख रस है श्रृंगार, उसका होता रति। हास्य रस का होता है हास, हास्य रस का क्या होता है हास। विभत्स रस जो है विभत्स रस, ठीक है, उसका होता जुगुप्सा यानी कि घृणा। विभत्स रस का कौन सा होता जुगुप्सा या घृणा। और जो विस्मय रस है उसका होता आश्चर्य, विस्मय रस का क्या होता है आश्चर्य, ठीक है। इसके अलावा आधुनिक विद्वानों ने दो और जोड़े हैं, दो रस और, एक उनमें क्या वात्सल्य रस, वात्सल्य रस का स्थाई भाव वात्सल्य या वत्सल, वात्सल्य या वत्सल। और एक बच्चों आपका है भक्ति रस, क्या है भक्ति रस। एक्चुअल में ये दोनों भक्ति रस और वात्सल्य रस किससे निकले हैं, श्रृंगार रस से ही निकले हैं। तो भक्ति रस का स्थाई भाव होता है ईश्वर विषयक प्रेम, ईश्वर विषयक प्रेम मतलब ईश्वर के प्रति जो लगाव है जो प्रेम है वो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन कीजिए, इनमें से सही वर्तनी हमें बतानी बच्चों। ये है निरीश्वरवादी, निरीश्वरवादी कौन सा सही है बच्चों, निरीश्वरवादी। तो बच्चों इसमें ये सही है, कौन सा सी ऑप्शन, क्योंकि इसमें निर उपसर्ग है, निर प्लस ईश्वर प्लस वादी, निर प्लस ईश्वर प्लस वादी, तो नी नी पे छोटी की मात्रा है, यहां बड़ी है यहां बड़ी है, ये दोनों छोटी हैं, ठीक है। लेकिन र जो है र ये हलंत है, आगे ई बड़ी, ईश्वर में क्या होती बड़ी, इस पे जुड़ेगी तो र पे बड़ी की मात्रा, तो यहां बड़ी की मात्रा है और यहां छोटी की, ये भी गलत, स्वर वादी, ठीक है। अगर इसमें उपसर्ग पूछ लेता तो क्या होता निरुपसर्ग। तो नेक्स्ट अगला देखिए, अगला है बच्चों हमारा क्वेश्चन, देखिए क्या क्वेश्चन है कि पूत शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग सही लगता है, पूत के साथ कौन सा उपसर्ग सही लगता, बे नहीं, क्योंकि बे पूत नहीं होता, निपूत नहीं, अपूत नहीं, क्या होता कै, कै प्लस पूत कपूत, कै प्लस पूत कपूत। तो कै जो है ये हिंदी का उपसर्ग है मतलब तद्भाव, किससे बना है कु से, संस्कृत में कु प्रयोग होता है, जैसे हम कहते हैं कुपुत्र, ये तत्सम शब्द है उसका तद्भाव है कपूत, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, सुमेलित कीजिए, ग्रुप डी में हर सेट में गिनतियां पूछी गई हैं, तो एक स्पेशल जो वीडियो जो है 1 से 100 तक की गिनतियों को जो हिंदी में लिखते हैं मानक रूप वो आपको बताएंगे, ठीक है, क्योंकि कई जगह हम गलत करते हैं, गलत कैसे करते हैं, जैसे ये है बच्चों, इसको लिखा जाता 53, मानक रूप क्या 53 न कि 53, जैसे ये है इसको लिखा जाता 63 न कि 63। तो इस प्रकार 1 से 100 तक की गिनती जो हिंदी में मानक रूप आपको सिखाएंगे, यहां तो मिलान करना बच्चों 78, 78 कहां है, ये 78 है, तो पहले का मिलान ई से, तो पहले का मिलान ई से, इतने से ही कई बार आंसर मिल जाएगा, हमें टाइम बचाना है, क्योंकि पहला यहां आ से है, यहां पहला बड़ी से है, यहां ऐसे है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया बी। लेकिन आगे अगर हम देखें 47 दूसरा ऐसे, तो दूसरा ऐसे है, 59 तीसरा ई से, तीसरा किस है ई से, और 32 चौथा आ से, चौथा आ से, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे 12 क्वेश्चन थे जो HSC का एग्जाम हुआ था 18 नवंबर 2018 को, जो मॉर्निंग सेशन का एग्जाम था हमने वो डिस्कस किया, ठीक है, आगे हम और एग्जाम इसके डिस्कस करेंगे। तो ये जो
हम पेपर सोल्व कर रहे हैं, यह जो पेपर हम सोल्व कर रहे हैं EHSSC ग्रुप डी 18 नवंबर 2018 जो इवनिंग सेशन का पेपर है उसके हिंदी के क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे। HSC ग्रुप डी 18 नवंबर 2018 इवनिंग सेशन का पेपर जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, मां से बच्चे को दूध पिलाया जाता है, इसका कृत्रिवाच्य हमने बताना है। ठीक है, ये बच्चों कर्मवाच्य दिया हुआ, मां से बच्चे को दूध पिलाया जाता है, तो इस वाक्य को कृत्रिवाच्य में लिखना है। पहला ऑप्शन है मां बच्चे को दूध पिलाती है, ठीक है। दूसरा, मां ने बच्चे को दूध पिलाई। तीसरा सी ऑप्शन है, मां ने बच्चे को दूध पिलाए और मां बच्चे को दूध पिलाई। तो बच्चों एक चीज देखो, वैसे भी कृत्रिवाच्य क्रमवाच्य को छोड़ो एक मिनट, क्या ये जो नीचे के तीन सेंटेंस हैं आपको व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध लग रहे हैं? अरे सेंटेंस जो वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध भी तो होना चाहिए। मां ने बच्चे को दूध पिलाई, कोई सेंस ही नहीं है। ठीक है, मां ने बच्चे को दूध पिलाया होना चाहिए, मां ने बच्चे को दूध पिलाए ये भी गलत है, तो मां बच्चे को दूध पिलाई ये भी गलत है। तो कई बार क्या है, एलिमिनेशन मेथड जो है भाई, हम क्या है चार ऑप्शन में से कई बार क्या है कि कौन सा नहीं उसको हटाते जाएं तो भी हमें आंसर प्राप्त हो जाता है, मां बच्चे को दूध पिलाती है। ठीक है, और वैसे भी अगर इसका हम मां बच्चे को दूध पिलाती है ये कृत्रिवाच्य अगर सेंटेंस है तो इसका अगर हम क्रमवाच्य करें तो क्या होगा? सबसे पहले क्रमवाच्य करते वक्त जो करता है उसके साथ से या दवारा का प्रयोग होता है, तो मां से या मां दवारा, तो इसमें से है तो हम से का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, दवारा को छोड़ देते हैं। अब बच्चे को उसके बाद दूध, अब जब क्रमवाच्य बनाते हैं कृत्रिवाच्य से क्रमवाच्य बनाते हैं तो क्रियाकर्ता के लिंग वचन के अनुसार नहीं चलती, कर्म के लिंग वचन के अनुसार चलती है। ठीक है, कर्म के लिंग वचन के अनुसार, तो यहां कर्म क्या है दूध, इसके लिंग वचन के अनुसार ये पुलिंग है, ये एक वचन है तो पिलाया। ठीक है, अब जाना क्रिया आएगी सहायक क्रिया के रूप में। क्रमवाच्य में क्या होता है, तो सबसे पहले तो कर्ता का प्रभाव कम करना पड़ता है, तो उसके साथ कर्ता से द्वारा के द्वारा का प्रयोग होता है वो हमने कर दिया। उसके बाद क्या होता है सकर्मक क्रिया, मतलब उसमें कर्म होना जरूरी, तभी वो क्या होगा कर्म का प्रभाव होगा, उसमें कर्म प्रधान होगा। इसके बाद क्या करना होता है उसके अंदर हमें कि जो क्रिया है वो किसके लिंग वचन के अनुसार चलनी होती है, वो चलनी होती है आपकी क्रम के लिंग अनुसार वचन के अनुसार। अब इसमें देखो पहले वाले में मां बच्चे को दूध पिलाती है, तो इसमें पिलाती क्रिया मां के अनुसार कर्ता के अनुसार है, ये कृत्रिवाच्य है। कृत्रिवाच्य में बच्चों जरूरी है कि सिर्फ कर्ता के अनुसार हो, कर्म के अनुसार भी हो सकती है, लेकिन कर्मवाच्य में क्रिया सदैव किसके अनुसार चलेगी, कर्म के लिंग वचन के अनुसार। उसके बाद जाना क्रिया आती है हमेशा सहायक क्रिया के रूप में, जाना क्रिया सहायक क्रिया के रूप में आती है। तो अब जाना आई तो यह क्या है, पिलाती है, प्रेजेंट में है तो यहां प्रेजेंट में ही रखेंगे, पिलाया जाता है। तो मां से बच्चे को दूध पिलाया जाता है, यही तो पूछ रखा है, मां से बच्चे को दूध पिलाया जाता है, तो किसका बना, मां बच्चे को दूध पिलाती है, ए ऑप्शन। ठीक है, अगला बच्चों नेक्स्ट, अगला हमारा क्वेश्चन है ये कि अभी प्लस उदय अभ्युदय यह कौन सी संधि है? तो बच्चों ये यण संधि का उदाहरण है, किसका उदाहरण है, यण संधि का। ठीक है, तो यण संधि, यण संधि होती है ई या ई के आगे कोई भिन्न स्वर आ जाए, ई या ई के आगे कोई भिन्न स्वर, मतलब इन दोनों को छोड़ के कोई भी स्वर आ जाए तो ई या ई य में परिवर्तित हो जाता है। ई या ई किस में परिवर्तित हो जाता है, य में परिवर्तित हो जाता है। अब यहां देखिए, जैसे ये क्या है अभी प्लस उदय,
अभी प्लस उदय। तो इसका अगर वर्ण विच्छेद करें बच्चों, वर्ण विच्छेद करोगे आसान हो जाता है, गलती होने की संभावना कम रहती है। ए भी को लिखो भय प्लस ई प्लस ऊ, इसका चाहे ना करो, जहां संधि होनी है वहां वर्ण विच्छेद कर लो, प्लस द चाहे यो का लिख लो। अब ई क्या गे ऊ, हमने क्या पढ़ा था, ई या ई क्या गे कोई भिन्न स्वर आ जाए तो ई या ई किस में परिवर्तित हो जाता है, य में परिवर्तित हो जाता है। तो ये क्या बन गया, य। अब वर्ण संयोजन करें, ए इसका तो परिवर्तन हो गया तो भय आता है, आधा ही रहेगा क्योंकि आगे स्वर नहीं है, व्यंजन है, तो भय को ऊ मिला भू दे, तो अभी प्लस उदय अभ्युदय। कौन सी संधि का उदाहरण है, यण का। और वैसे टोटका आपको पता ही है कि य व र के आगे आधा वर्ण हो तो ज्यादातर केसों में, सभी केसों में, ज्यादातर केसों में कौन सी संधि होती है, यण संधि, ठीक है। और अगर इसका उपसर्ग पूछे तो अभी उपसर्ग है इसमें, अभी। जैसे बच्चों हम कहें अभी प्लस आए, अभी प्लस आए, तो ये ए प्लस ध प्लस ई है प्लस आ, ये को यों का ही लिख दो, ई के आगे आ भिन्न स्वर तो ई किस में, ये में, तो ए धया धा, ये को आ मिला या ये अध्याय। तो यण ई या ई के आगे भिन्न स्वर आ जाए तो ई या ई किस में हो जाता है, ये में। इसके अलावा इसी में अगर हम बात करें ऊ या ऊ के आगे भिन्न स्वर आ जाए, ऊ या ऊ के आगे भिन्न स्वर आ जाए तो ऊ या ऊ किस में, व में परिवर्तित हो जाते हैं। किस में परिवर्तित हो जाते हैं, व में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे सु प्लस अस्ति, सु प्लस अस्ति ये क्या है, स प्लस ऊ प्लस ए, आगे चाहे यों का भी लिख लो, क्योंकि हम वर्ण विच्छेद वहीं करें जहां, नहीं तो टाइम ज्यादा लगता है, जहां संधि होनी है। ऊ के आगे ए भिन्न स्वर तो ऊ किस में, व में, व आधा, तो अब सयादा है आगे व्यंजन आ गया, व आधा ए मिलके व पूरा सवस्ती, ठीक है। इसके अलावा एक और होता है इसमें, अगर री के आगे भिन्न स्वर आ जाए, री के आगे भिन्न स्वर तो री र में परिवर्तित हो जाता है। जैसे मात्री प्लस आनंद, मात्री प्लस आनंद, तो मां प्लस तय प्लस री और प्लस आ, नंद को चाहे यों का ही लिख दो, तो री के आगे आ भिन्न स्वर तो री किस में, र में। अब वर्ण संयोजन करें, मां तय र और आ त्रा मात्रा नंद, ठीक है। तो ये यण संधि है बच्चों, यण संधि में क्या है, ई या ई के आगे कोई भिन्न स्वर आए तो ई या ई किस में बदल जाता है, य में। ऊ या ऊ के आगे कोई भिन्न स्वर आए तो ऊ या ऊ किस में, व में। और अगर री के आगे भिन्न स्वर आए, री के आगे अगर भिन्न स्वर आए तो री किस में बदल जाता है, र में, ठीक है। और वैसे टोटका क्या है वो आप जानते ही हो कि य व र के आगे आधा वर्ण हो तो मोस्टली, सभी में नहीं, मोस्टली कौन संधि होती है, यण। तो यहां य के आगे आधा भय है तो ये कौन किसका उदाहरण है, यण का, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट। हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जहां एक ही प्रकार के व्यंजनों की बार बार आवृत्ति से काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है तो वहां कौन सा अलंकार होता है, ठीक है। तो बच्चों अलंकार जो शब्द है, अलंकार ये अलम प्लस कार से बनता है, अलम प्लस कार, ठीक है। अलम मतलब शोभा और कार मतलब बढ़ाना, मतलब अलंकार क्या होते हैं, जो काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। मतलब अलंकार काव्य में शोभा उत्पन्न नहीं करते, सौंदर्य उत्पन्न नहीं करते, बल्कि उसके सौंदर्य को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो जहां एक ही प्रकार के व्यंजनों की बार बार आवृत्ति से काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है, मतलब बढ़ता है, तो वह कौन सा अलंकार होता है, तो वह होता है बच्चों अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार, ठीक है। कि एक व्यंजन, व्यंजन जो है उसका यहां वर्ण भी लिखा हो सकता है, क्योंकि व्यंजन एक प्रकार का वर्ण है, कि किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो और आवृत्ति भी क्रम से होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, क्रम से,
ये जरूरी है बच्चों। जैसे देखिए, अगर हम ये कहें कि रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, अब देखो र वर्ण की आवृत्ति भी है, र व्यंजन की बार बार आवृत्ति भी है, इसलिए कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। जैसे तरणी तनुजा, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, तट तमाल तरुवर बहुछाए। अब देखो तरणी में तय, तनुजा में तय, तट में तय, तमाल में, तरुवर में, तय वर्ण या हम कहेंगे व्यंजन, उसकी बार बार आवृत्ति होती है। यहां एक चीज और ध्यान रखना, उस व्यंजन के साथ कोई भी स्वर जुड़ा हो वो मैटर नहीं करता कि उस पे आ की मात्रा है, ए की है, ई की है, वो मैटर नहीं करता। व्यंजन की बार बार आवृत्ति, और आवृत्ति जो है वो क्या होनी चाहिए? क्रम से। क्रम से का अर्थ क्या है? या तो सब में पहला हो, जैसे इसमें देखिए यहां रह पहला आया, यहां भी पहला, यहां भी पहला, यहां भी पहला, या सब में अंत में हो, या सब में बीच में हो, आवृत्ति क्रम से हो, ठीक है, तभी क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। अगर आवृत्ति क्रम से नहीं भी, जैसे किसी में पहला है किसी में दूसरा है, तो वो अनुप्रास अलंकार नहीं होगा। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि भारत आतुर है नहीं, भारत आतुर है नहीं, तो देखो बच्चों इसमें र, यहां भी र है, यहां भी र है ना। इसी प्रकार तय, अगर हम तय की बात करें, यहां भी तय है, यहां भी तय है, भारत आतुर है नहीं, ठीक है, और र इसमें यहां र था, इसमें यहां र था, इसमें यहां र है, लेकिन फिर भी इसमें अनुप्रास नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है? क्योंकि आवृत्ति क्रम से नहीं है। इसमें र दूसरे स्थान पे, इसमें लास्ट में है, इसमें तय लास्ट में, इसमें बीच में है, तो आवृत्ति क्या हो आगे के लिए ध्यान रखना। कहीं ऑप्शन में आ जाए कि वर्ण की बार बार आवृत्ति, एक ऑप्शन हो वर्ण की बार बार क्रम से आवृत्ति, तो कौन सा सही होगा? क्रम से आवृत्ति होनी चाहिए। यो नहीं है कि किसी में किसी स्थान पे, किसी में किसी स्थान पे, या तो सब में पहला हो, सब में बीच में हो, या सब में अंत में हो, क्रम से आवृत्ति होगी तभी क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन करना है। सही वर्तनी, इनमें से शुद्ध कौन सा है? नियुक्ति, ये शुद्ध शुद्ध है बच्चों, नियुक्ति बी जो ऑप्शन है ये शुद्ध है, नियुक्ति, ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट अगला, सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना है, गिनतियां दी हुई, मैंने पहले भी बताया था आपको, अब फिर बता रहा हूं, HSC गिनतियां भी बहुत बार पूछ रही है, तो हम इन्हें 1 से 100 तक की गिनती लिखने की एक वीडियो जो है अलग से बनाएंगे कि मानक रूप क्या है, उन्हें कैसे लिखना चाहिए। कई बार ये बार भी पूछ सकता है कि इसको किस तरह लिखा जाता है, तो 18 ये 18, 67 ये 67, ये 52 और ये 39। जैसे मानक की बात कर रहा हूं मैं, 39 यूं लिखा जाता है ना मानक रूप में, अगर कई बच्चे ये बोलते हैं या लिखते हैं 39, तो बच्चों ये गलत हो जाएगा। तो 1 से 100 तक की गिनती भी हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हुआ? 18। पहला किस से जुड़ा हुआ है? ई से, दीर्घ ई से, तो दीर्घ ई वाला एक ही ऑप्शन है ये, बाकी फिर भी चेक कर लो। दूसरा ए से, ठीक है, तीसरा आ से, 52 और चौथा ई से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए, वधु शब्द का बहुवचन रूप क्या है? वधु जो शब्द है इसका क्या बताना है? बहुवचन रूप बताना है। तो बच्चों वधु का बहुवचन जो है वधुएं, कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन, क्योंकि अगर बड़ा ऊ है अंत में, पहली बात तो ये जो शब्द है ये स्त्रीवाचक हो, वधु स्त्रीलिंग है, स्त्रीवाचक शब्द है। दूसरी बात, अगर अंत में बड़ा ऊ हो तो ए लगा जाता है, बहुवचन बनाते वक्त क्या लगाते हैं? ए। और बड़ा ऊ किस में परिवर्तित हो जाता है? छोटे ऊ में, मतलब दीर्घ ऊ, हर्ष ऊ में, वधुएं, धेनु, धेनुएं, बहु,
बहुएं। इस प्रकार तो ये सारे क्या स्त्रीवाचक शब्द हैं। स्त्रीवाचक शब्द हो, अंत में बड़ाऊ हो, बहुवचन बनाते वक्त क्या लगाओगे, ए लगाओगे, और जो बड़ाऊ है वो छोटे ऊ में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे बच्चों डाकू, तो बहुवचन बनाओगे तो डाकुओं, तो बड़ाऊ किस में परिवर्तित, छोटे ऊ में। अब कई सोचते हो यहां ए लगाया यहां ओ, ये स्त्रीवाचक शब्द है बच्चों, स्त्रीवाचक, ठीक है। स्त्रीवाचक शब्द अगर उसका हम बहुवचन बना रहे हैं तो अगर अंत में आ हो, छोटाऊ हो या बड़ाऊ, तो ए लगा के बनाते हैं ज्यादातर केस में, ठीक है। और ये जो बड़ाऊ है ये किस में परिवर्तित हो जाता है, छोटे ऊ में। लेकिन ये जो है ये स्त्रीवाचक शब्द नहीं है, पुरुषवाचक शब्द है, तो इसमें ओ लगता है और बड़ाऊ किस में परिवर्तित है, छोटे ऊ में। तो वर्तनी में भी ध्यान रखना बच्चों, जैसे वधु यो सही है, वधुएं यो सही होगा, देनु यो सही है, देनुएं यो होगा, बहु यो लेकिन बहुएं यो, डाकू यो लेकिन डाकुओं यो। जैसे एक शब्द है हिंदू, हिंदू बड़ाऊ है ना, तो हिंदुओं यो लिखोगे। तो वर्तनी में ध्यान रखना इनका। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, लंबा है उधर जिसका, लंबा है उधर जिसका, ये हमारा क्वेश्चन है, लंबा है उधर जिसका लंबोदर, ब्रैकेट में दिया श्री गणेश, यह कौन सा समास है। तो बच्चों ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। बहुव्रीहि समास आप जानते होंगे, बहु प्लस व्रीहि, बहु होता बहुत, व्रीहि होता धान्य, बहुत धान्य है जिसके पास, ठीक है। अर्थात एक संपन्न व्यक्ति या किसान, ये इसका अर्थ होता है बहुव्रीहि का, बहु बहुत व्रीहि धान्य, बहुत धान्य है जिसके पास, बहुत सारा धान्य है जिसके पास, संपन्न व्यक्ति इसको आप रिच मैन कह सकते हो, और किसान, ठीक है। तो बच्चों बहुव्रीहि समास क्या होता है, जिसमें ना पूर्व पद प्रधान ना उत्तर पद प्रधान, मतलब ना पहला पद प्रधान ना दूसरा पद प्रधान, किसी तीसरे पद की प्रधानता हो, वो होता है बहुव्रीहि। वो क्या होता है, बहुव्रीहि। तो यहां जो हमारा एग्जाम्पल है लंबोदर, तो इसमें पूर्व पद है लंबा और उत्तर पद है उदर। लंबा उदर होता पेट, तो लंबा पेट इसका अर्थ क्या बना लंबोदर का, लंबा पेट। लेकिन लंबोदर हम किसको कहते हैं, श्री गणेश को, श्री गणेश को हम लंबोदर कहते हैं, ठीक है। तो ना तो इसमें पूर्व पद प्रधान ना इसमें उत्तर पद प्रधान, ये तो कोई तीसरा पद प्रधान हो गया। या हम ये कह सकते हैं बच्चों, जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़ के किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता हो, जो उसका सामान्य अर्थ है उसको छोड़ के किसी विशेष अर्थ को प्रकट करे, वो बहुव्रीहि होता है। जितने हमारे योग रूढ़ शब्द हैं, क्या है योग रूढ़, वो सारे के सारे क्या होते हैं, बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जैसे हम कहें पीतांबर, अब पूर्व पद है पीत, उत्तर पद है अंबर, पीत यानी कि पीला और अंबर यानी कि वस्त्र, लेकिन पीतांबर हम कहते हैं श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण या विष्णु को। तो बच्चों ना तो पूर्व पद प्रधान हुआ पीत, ना उत्तर पद कोई तीसरा पद प्रधान, तो इसलिए ये क्या है बहुव्रीहि। मतलब इसका जो सामान्य अर्थ है पीतांबर का वो तो होता है पीला वस्त्र, लेकिन ये सामान्य अर्थ को छोड़ के किसी विशेष अर्थ को प्रकट कर रहा है, भगवान श्री कृष्ण या विष्णु। तो ऐसे समास कौन से होते हैं, बहुव्रीहि समास होते हैं। खुद बहुव्रीहि भी बहुव्रीहि का अच्छा उदाहरण है, क्योंकि बहुव्रीहि भी बहुव्रीहि का अच्छा उदाहरण है। इसका बहु मतलब बहुत, व्रीहि मतलब धान्य, बहुत धान्य है जिसके पास वह, अर्थात संपन्न व्यक्ति। तो ये खुद भी किसका उदाहरण है, बहुव्रीहि का उदाहरण है, ठीक है। तो बच्चों बहुव्रीहि जो समास है आपका, बहुत है धान्य जिसके पास, संपन्न व्यक्ति या किसान को हम कहते हैं,
तो ये किसका उदाहरण है? खुद खुद एक बहुबरी का अच्छा उदाहरण है। आगे चलते हैं। अगला है बच्चों, मेरी आंखों में दर्द है। इस वाक्य में दर्द का पद परिचय दीजिए। यह दर्द है बच्चों, दर्द। तो दर्द का पद परिचय देना है। पद परिचय क्या होता है? पहली बात तो ये सारे क्या है? पद हैं। शब्द और पद में क्या अंतर होता है? शब्द स्वतंत्र होते हैं और जब वही शब्द किसमें प्रयोग कर लिया जाए? वाक्य में। वाक्य में प्रयोग कर लिया जाए और व्याकरणिक नियमों में बन जाए तो वो शब्द नहीं रहता, वो पद बन जाता है। तो शब्द हमेशा मिलते हैं डिक्शनरी में, शब्दकोश में। कहां मिलते हैं? शब्दकोश में। और पद हमेशा मिलते हैं वाक्य में, ठीक है। तो मेरी आंखों में दर्द है, तो ये मेरी भी इसमें एक पद है। आंखों ये भी, दर्द भी, ये सारे के सारे क्या है? पद हैं। और ये स्वतंत्र अगर लिखे होते बगैर वाक्य के तो शब्द होते। तो शब्द एक स्वतंत्र इकाई है। जब वही शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाता, व्याकरणिक नियमों में बन जाता है और विशेष अर्थ को प्रकट करने लग जाता है तो वो क्या कहलाता है? पद बन जाता है। तो पद हमेशा कहां मिलते हैं? वाक्य में। और शब्द कहां मिलते हैं? डिक्शनरी में, शब्दकोश में। तो पद परिचय क्या होता है? पद परिचय होता है, कहता है इसका पद परिचय देना में, कि वाक्य में प्रयुक्त पद का व्याकरणिक आधार पर परिचय देना। व्याकरणिक आधार पर मतलब भाई वो क्या है? वो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है या क्रिया विशेषण है, क्या है? उसके बाद वो पुलिंग है, स्त्रीलिंग है, उसका जो लिंग क्या है, उसका वचन क्या है, एक वचन है, बहुवचन है, वो किस कारक के रूप में प्रयोग हुआ, ये सारे के सारे उसके बारे में बताना। और इसको सीखने का कोई विशेष नियम नहीं है। अगर जिसको पूरी व्याकरण आती है तो इसको आराम से कर सकता है। तो बात करें दर्द की, तो दर्द है भाववाचक संज्ञा। क्या है? भाववाचक संज्ञा। क्योंकि भाववाचक संज्ञा होते जो किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, उसकी अवस्था, उसकी दशा आदि का बोध कराए, भाववाचक संज्ञा कहलाता है। और भाववाचक संज्ञा जो मूर्त रूप में नहीं होती, वो अमूर्त है, मतलब उसको हम देख नहीं सकते, ना उसको टच कर सकते हैं, सिर्फ फील किया जा सकता है। तो दर्द मूर्त रूप में नहीं होता, उसकी कोई तस्वीर नहीं होती, उसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। तो ये क्या? भाववाचक संज्ञा। अब इसका आंसर तो इतने से ही मिल गया हमें, क्योंकि पहले में जातिवाचक संज्ञा, यह नहीं हो सकता। दूसरे में भाव है, तीसरे में व्यक्तिवाचक, ये भी नहीं हो सकता। और चौथे में व्यक्तिवाचक, ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर तो वैसे ही हो गया। अब आगे अगर देखें, भाववाचक के अलावा ये पुलिंग है, पुलिंग है। पुलिंग क्यों है? जैसे वाक्य में प्रयोग करते हम कहते हैं उसे दर्द हो रहा है, ये नहीं कहते ना दर्द हो रही है, तो पुलिंग है। इसके अलावा एक वचन है, वचन की बात करें तो एक वचन है, ठीक है, एक वचन है ये, ठीक है, क्योंकि दर्द हो रहा है न कि हो रहे हैं। तो भाववाचक, पुलिंग, एक वचन, कर्ता कारक के रूप में है। किसका कारक? कर्ता, ये है का, है जो क्रिया है उसका क्या है? कर्ता है। तो नेक्स्ट अगला देखिए, जुगुप्सा किस रस का स्थाई भाव है? क्या पूछ रहा है बच्चों? जुगुप्सा जो है वो किस रस का स्थाई भाव है? जुगुप्सा, ठीक है, जुगुप्सा होता है घृणा, घृणा करने की इच्छा, किस रस का स्थाई भाव है? तो बच्चों ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है, जुगुप्सा जो है वो विभत्स रस का स्थाई भाव होता है, विभत्स रस का, ठीक है, जहां मतलब जो गलानी सी होती है, घृणा सी होती है, कुछ ऐसे दृश्य, कटे फटे मांस वगैरह कोई खा रहा, इस टाइप के जो दृश्य होते हैं उनसे जो जुगुप्सा घृणा होती है उससे विभत्स रस पैदा होता है, ठीक है। अच्छा, करुण रस जो है इसका स्थाई भाव होता है शौक। करुण रस का क्या होता है? शौक, ठीक है, किसी के बिछुड़ने से या कोई लंबी विरह या किसी के मृत्यु हो जाने से जो शोक उत्पन्न होता है उसके कारण हमारे मन में कौन सा रस उत्पन्न होता है? करुण। रौद्र जो है इसका है क्रोध। इसका स्थाई भाव क्या है? विवत्स का क्या है? जुगुप्सा। रौद्र जो रस है उसका स्थाई भाव क्या है? क्रोध। क्रोध के कारण कौन सा रस उत्पन्न होता है? रौद्र। और वीर का है उत्साह। वीर रस का स्थाई भाव क्या है? उत्साह, ठीक है। तो बच्चों हमारे मूल रूप से नौ रस माने गए थे, कौन कौन से? श्रृंगार,
श्रृंगार जो है इसका स्थाई भाव रति, ठीक है। इसके अलावा हास्य रस, इसका स्थाई भाव हास। इसके अलावा बच्चों करुण रस, स्थाई भाव शोक। रौद्र रस, इसका स्थाई भाव क्रोध। वीर रस, स्थाई भाव उत्साह। भयानक रस, स्थाई भाव भय। तो बच्चों इसके बाद है विभत्स। विभत्स का है जुगुप्सा, जुगुप्सा। विस्मय रस, विस्मय रस जो है इसका है आश्चर्य, आश्चर्य। और शांत रस, शांत का निर्वेद या सम, निर्वेद या सम, ठीक है। तो शुरू में ये नौ रस माने गए थे, ठीक है। श्रृंगार रस को क्या कहते हैं, रस राज की उपाधि दी गई है, रसों का राजा, सबसे श्रेष्ठ रस माना गया है, ठीक है। कौन सा, श्रृंगार रस, तो इसको रसराज की उपाधि दी गई है, रसों का राजा कहा गया है। तो श्रृंगार रस इसका स्थाई भाव रति, हास्य रस इसका हास, करुण रस शोक, रौद्र रस का क्रोध, वीर रस का उत्साह, भयानक का भय, विभत्स का जुगुप्सा, विस्मय का आश्चर्य और शांत का निर्वेद या सम, ठीक है। तो ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बहुत बार। तो ये सारे आपको स्थाई भाव जरूर याद होने चाहिए। ग्रुप डी में तो हर पेपर में जरूर पूछा गया उसका स्थाई भाव, या इस स्थाई भाव का रस कौन सा है वो पूछा गया है। फिर बाद के विद्वानों ने दो और जोड़े, एक वात्सल्य, वात्सल्य, वात्सल्य का स्थाई भाव वात्सल्य या वत्सल, दसवां। और फिर ग्यारहवां जो है भक्ति रस, कौन सा, भक्ति, इसका स्थाई भाव ईश्वर विषयक प्रेम, ईश्वर के प्रति जो प्रेम है। तो वर्तमान में ये 11 रस हम पढ़ते हैं, तो इनके स्थाई भाव आपको सारे याद होने चाहिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट। अगला है, निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इनमें से हमें क्या बताना है कि जो आग है उसका पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तो बच्चे मोस्टली गलती ये करते हैं, ये देखते हैं सिर्फ आग का, क्या देखते हैं, सिर्फ ये कि आग का पर्यायवाची क्या है, और देखते ही उसका जवाब दे देते हैं, ठीक है। तो ये कहता नहीं है, इन बातों का विशेष ध्यान रखो। तो क्या नहीं है, वारी, वारी किसका है, जल का, वारी किसका है, पानी का, जल का, जल, नीर, वारी, अंबू, तोय, पय, अंब, जीवन, नीचगामी, उदक, ये सारे किसके हैं, जल के पर्यायवाची हैं। पानी के पर्यायवाची कहो, जल के को, ये सारे पर्यायवाची हैं। जल, नीर, वारी, अंबू, तोय, पय, अंब, जीवन, नीचगामी, नीचा मतलब नीचे बहता, ये ऊपर से नीचे की तरफ, उदक, वारी, ठीक है। तो ये किसका पर्यायवाची है, जल का। और बाकी ये आग के पर्यायवाची हैं। बच्चों आग का पर्यायवाची अग्नि, क्योंकि अग्नि से ही आग बनाई है, तत्सम शब्द है, तद्भव है। इसके अलावा पावक, वही, अनल, अनल आग होता है, और अनिल जो है वो वायु होता है, अनिल क्या होता है, वायु, ठीक है, अनल। इसके अलावा कृषाणु, हुतासन, ज्वाला, दहन, ये सारे किसके पर्यायवाची हैं, आग के, अग्नि कहो चाहे पावक कहो, वही कहो, वैश्वानर,
हुत भुक, अग्नि कहो, आग कहो, पावक वही, अनल कृषाणु, हुतासन, ज्वाला दहन, वैश्वानर, हुत भुक, ये किसके पर्यायवाची हैं? आग के। तो नेक्स्ट अगला देखिए, ये बच्चों हमारा क्वेश्चन, समझ के साथ कौन सा उपसर्ग सही लगता है? समझ शब्द है, इसके साथ जो है कौन सा उपसर्ग जो है वो सही लगता है ये हमने पढ़ना है। समझ के साथ क्या लगेगा? ना, ना जो है विदेशी उपसर्ग है बच्चों, विदेशी उपसर्ग है, ठीक है, उर्दू का कह सकते हो, अरबी फारसी का कह सकते हो, उपसर्ग ना, ठीक है, जिसका अर्थ नेगेटिव होता है, जैसे ना समझ, न समझ हो, जिसे ना समझ, न समझ हो, ठीक है, या ना पाक, जो पाक न हो, ठीक है, या ना लायक, जो लायक ना हो, ठीक है। तो बच्चों ना समझ कहो, ना पाक कहो, ना लायक कहो, इन सब में कौन सा उपसर्ग है? ना उपसर्ग है। और ना के बारे में आपको पता होना चाहिए कौन सा उपसर्ग है, विदेशी उपसर्ग है, कई बार यही पूछ लेते हैं इनमें से कौन सा विदेशी उपसर्ग है, ठीक है, या उर्दू का उपसर्ग कौन सा, अरबी फारसी का उपसर्ग कौन सा, तो ना किसके अंतर्गत आता है? विदेशी उपसर्ग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट अगला देखिए, लकीर का फकीर होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो लकीर का फकीर होना, मुहावरे का अर्थ पुरानी बातों पे चलना, यानी कि हम कह सकते हैं पुरातन पंथी। लकीर का फकीर किसको कहते हैं? पुरातन पंथी को, मतलब पुरानी बातों पे चलना, जो जैसा है वैसा चलने दें, जैसा है वैसा चलने दें, ठीक है, नए का समर्थन ना करना, उसको कहते हैं लकीर का फकीर होना, ठीक है। जैसे अगर हम ये कहें, आजकल जो इंटरकास्ट मैरिज है, जो अंतर जातीय विवाह है, वो नई पीढ़ी के लोग ही कर सकते हैं, क्योंकि पुरानी पीढ़ी के लोग तो लकीर के फकीर हैं। पुरानी पीढ़ी के लोग क्या हैं? लकीर के फकीर हैं, वो पुरातन पंथी हैं, जैसा चल रहा है सिर्फ उसी में विश्वास रखते हैं, ठीक है। तो पुरानी बातों पर चलना लकीर का फकीर। तो बच्चों अब हम डिस्कस करेंगे HSSC ग्रुप डी जो 17 नवंबर 2018 को हुआ था मॉर्निंग सेशन का, ठीक है। हमारा जो अगला पेपर है वो है HSC ग्रुप डी जो 17 नवंबर 2018 को मॉर्निंग सेशन में हुआ था, उस पर हम डिस्कस करेंगे बच्चों। तो पहला हमारा क्वेश्चन देखिए क्या है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है जहां एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति दो बार होती है वहां कौन सा अलंकार होता है? बच्चों ध्यान देना एक मिनट, कि जहां किसी वर्ण की क्रम से आवृत्ति हो, किसी वर्ण की क्रम से आवृत्ति हो, वर्णों में यहां एक्चुअल में व्यंजनों की आवृत्ति होती है, काव्य की जिन पंक्तियों में, कविता की जिन पंक्तियों में किसी वर्ण की क्रम से आवृत्ति हो, क्रम से बार बार आए, तो वो होता है आपका अनुप्रास अलंकार। क्या होता है? अनुप्रास, ठीक है। तो अनुप्रास अलंकार जो है, जैसे अगर हम ये कहें कानन कठिन भयंकर भारी, कानन कठिन भयंकर भारी, तो देखो कै आवृत्ति भी, और आवृत्ति क्रम से है। आवृत्ति क्या होनी चाहिए बच्चों? क्रम से। क्रम से का अर्थ है जैसे यहां पहला है तो यहां भी पहला होना चाहिए, ठीक है। अगर ये यो नहीं होगा, क्रम से आवृत्ति नहीं होगी, तो अनुप्रास नहीं बनेगा। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, भारत आतुर है नहीं, तो बच्चों इसमें देखो तय है, यहां भी क्या है? तय है, लेकिन आवृत्ति क्रम से नहीं है। कैसे क्रम से नहीं है? यहां तय तीसरे स्थान पे है अंत में, और यहां बीच में है। आवृत्ति क्रम से होनी चाहिए, या तो सब में पहले हो या सब में अंत में हो।
रह की भी आवृत्ति हुई है, किसकी आवृत्ति भी हुई है, रह की। ये देखो ये रह और यहां ये रह, लेकिन क्रम से नहीं है तो इसमें अनुप्रास नहीं हो सकता। ठीक है, आवृत्ति क्रम से होती है, जैसे रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। अब इसमें देखिए आवृत्ति हुई है क्रम से, र र र र, उसके साथ क्या स्वर लगा वो नहीं देखा जाता कि आ लगा हुआ या ई लगा हुआ, नहीं। तो क्रम से आवृत्ति है तो ये क्या है, अनुप्रास। लेकिन बच्चों अनुप्रास भी 5 प्रकार का होता है, या अनुप्रास तो ऑप्शन में है ही नहीं, छेक का अनुप्रास है। तो या तो क्योंकि अकेला छेक का ही है तो यह आंसर हो गया, सलेश वक्रोक्ति उत्प्रेक्षा तो आंसर नहीं होगा। लेकिन एक्चुअल में अनुप्रास 5 तरह का होता है, छेक का अनुप्रास, वृत्यानुप्रास, श्रुत्यनुप्रास, अंत्यनुप्रास और लाटानुप्रास। ठीक है, तो छेकानुप्रास क्या होता है, जैसे कहा एक से अधिक वर्णों की 2 बार आवृत्ति हो, एक या एक से अधिक वर्णों की दो बार क्रम से आवृत्ति हो, मतलब सिर्फ 2 बार आए, कोई वर्ण सिर्फ 2 बार आए तो छेकानुप्रास होता है। अब यहां देखिए ये क एक बार और एक बार, सिर्फ 2 बार आया और क्रम से आया है, दोनों में पहला है तो यह छेक का अनुप्रास होता है। जैसे भय और भय, एक वर्ण या एक से ज्यादा वर्ण, यहां पे 2 है, एक क और एक भय, सिर्फ 2 बार आए, 2 बार आने का अर्थ हम ये भी कह सकते हैं केवल एक बार आवृत्ति हो, आवृत्ति मतलब 2 बार आना, तो वो होता है छेक का अनुप्रास। तो यह विद्वानों का प्रिय अलंकार होता है छेक का अनुप्रास। और अगर 2 से ज्यादा बार आए, जैसे इसमें देखो 1, 2, 3, 4 बार आ गया, ठीक है, तो यह होता है वृत्यानुप्रास, वृत्यानुप्रास। ठीक है, तो यह वर्तनी में पूछ सकता है, वृत्यानुप्रास वृत्ति प्लस अनुप्रास होता है जो क्या आ जाए, 2 से अधिक बार आ जाए। जैसे हम कहें तरणी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। अब इसमें देखो तय 5 बार आवृत्ति हुई है, वृत्तानुप्रास, केवल 2 बार हो, एक वर्ण या एक से अधिक वर्णों की केवल 2 बार क्रम से आवृत्ति हो तो क्या होता है, छेक अनुप्रास, और 2 से ज्यादा बार हो तो वो क्या होता है, वृत्यानुप्रास। ठीक है, अनुप्रास 5 प्रकार के होते हैं, आगे और के बारे में पढ़ेंगे जब क्वेश्चन में आएंगे, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, तो अनुप्रास तो है, अनुप्रास में कौन सा है, वृत्यानुप्रास। ठीक है, क्योंकि चारु में चाहे चंद्र में चाहे चंचल में चाहे 2 से अधिक बार आवृत्ति भी चाहे की। ठीक है, खेल में लय, जल में लय, थल में लय, तो लय की क्या है, क्रम से 2 से अधिक बार आवृत्ति भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन है ये, क्या क्वेश्चन है देखिए, घन जैसा श्याम, घन श्याम में कौन सा समास है, घन जैसा श्याम कौन सा समास है। तो बच्चों ये क्रमधारय समास है, ये कौन सा समास है, क्रमधारय समास है, क्योंकि क्रमधारय समास कौन सा होता है जिसमें विशेषण विशेष्य का संबंध हो, विशेषण विशेष्य का संबंध हो या उपमेय उपमान का संबंध हो, जिसमें किसका संबंध हो, या तो विशेषण विशेष्य का या उपमेय उपमान का संबंध हो, तो वहां कौन सा अलंकार होता है, तो वहां होता हमारा वहां कौन सा समास होता है, तो वहां होता क्रमधारय समास। जैसे बच्चों अगर हम यह कहें महावीर, तो इसमें पूर्व पद है महान, उत्तर पद है वीर, तो महान क्या है, विशेषण है, विशेषता बता रहा है किसकी, वीर की, वीर विशेष्य है। तो विग्रह करते हैं तो यूं करते हैं, महान है जो वीर या महान जो वीर, तो यह कौन सा समास है, विशेषण विशेष्य का संबंध है, तो क्रमधारय समास है। ठीक है, जैसे अगर हम ये कहें घन जैसा श्याम, घन जैसा श्याम, तो यहां इन दोनों की क्या कर रखी है, तुलना कर रखी है,
और तुलना उपमेय और उपमान की होती है आपस में, तो दोनों में किसका संबंध है? उपमेय उपमान का संबंध है, उपमेय उपमान का संबंध है। तो इसलिए कौन सा अलंकार है, सॉरी कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। ठीक है, जैसे बच्चों ये कहें लोह पुरुष, तो लोह यानी लोहे के समान पुरुष, तो यहां पुरुष की तुलना किससे की गई, लोहे से, तो जिसकी तुलना की जाए वो क्या होता है, उपमेय, और जिससे तुलना की जाए वो क्या होता है, उपमान। तो इसमें उपमान उपमेय का संबंध है, तो इसलिए कौन सा समास है, कर्मधारय। तो ये भी कर्मधारय समास है बच्चों, घन जैसा श्याम, श्याम की तुलना जो है घन से की गई है, उपमेय उपमान का संबंध है, तो ये कौन सा है, कर्मधारय। लेकिन क्योंकि ऑप्शन में कर्मधारय नहीं है, ये भी ध्यान देने वाली बात है, ऑप्शन में कर्मधारय नहीं है तो हम किसके साथ जाएंगे, तत्पुरुष के साथ। क्यों? क्योंकि तत्पुरुष समास के दो उपभेद होते हैं, मुख्य रूप से चार ही समास होते हैं, अविभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। अविभाव जिसमें पहला पद प्रधान, तत्पुरुष जिसमें दूसरा पद प्रधान, द्वंद्व दोनों पद प्रधान और बहुव्रीहि दोनों ही अप्रधान, कोई तीसरा पद प्रधान। लेकिन तत्पुरुष के दो उपभेद हैं जिसमें एक होता है कर्मधारय और दूसरा होता है द्विगु। ठीक है, तो ये दोनों समास किससे निकले हैं, ये कर्मधारय और द्विगु तत्पुरुष से निकले। क्वेश्चन ये भी पूछ आ सकता कहीं, तत्पुरुष समास से कौन सा समास उत्पन्न हुआ, कौन सा समास निकला है, कर्मधारय और द्विगु। तो जब कर्मधारय, इसके अंदर कौन सा था, कर्मधारय, तो कर्मधारय अगर ऑप्शन में नहीं है तो हम क्या कहेंगे, तत्पुरुष समास। ठीक है, तो हमारा आंसर ये होगा बच्चों। हां, अगर कर्मधारय होता ऑप्शन में तो जवाब होता कर्मधारय। जैसे बच्चों अगर हम ये कहूं कि लड़का, लड़का जातिवाचक संज्ञा है, संज्ञा में कौन सी है, जातिवाचक। लेकिन अगर संज्ञा ऑप्शन में हो, जातिवाचक ना हो, तो हम संज्ञा करेंगे। ठीक है, क्योंकि संज्ञा का ही भेद है जातिवाचक, उसी पर तत्पुरुष का एक भेद है कर्मधारय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से गाय का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कई बच्चे क्या करते हैं, बस ये यहां तक देख लेते हैं पर्यायवाची शब्द और दे दिया गौ, जो भी दिखाई दिया। लेकिन बच्चों इसने कहा कि नहीं है, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो इसका जो आंसर आएगा हमारा वो कौन सा आएगा, वो देखना है। अंबु, अंबु गाय का पर्यायवाची नहीं है। अंबु किसका पर्यायवाची है, जल का, जल का, पानी, नीर, वारी, अंबु, तोय, पय, अप, इसके अलावा जीवन, नीचगामी, नीचे गमन करता है, नीचे बहता ऊपर से नीचे, निमनगामी, उदक। ठीक है, अंब, ये किसके पर्यायवाची हैं सारे, ये जल के पर्यायवाची हैं। तो बच्चों यहां एक चीज और ध्यान रखना, अगर आप जल के पर्यायवाचियों में जो पानी के पर्यायवाची हैं जितने भी, अगर जय लगाओगे तो कमल के बन जाएंगे, चाहे वो जलज हो, चाहे वो नीरज हो, चाहे वो अंबुज हो, वारिज हो, तोयज हो, पयोज हो या अब्ज हो, क्योंकि जय का अर्थ है जन्मा, जल में जन्मा, जन्म में जन्म लेने वाला, जल में जन्म लेने वाला कौन है, कमल। और अगर इसी में आग जो पानी के पर्यायवाची हैं, अगर उसमें दय लगाओगे तो बादल के पर्यायवाची बनेंगे, दय लगाने से, चाहे जलद हो आपका, नीरद हो, वारिद हो, ठीक है, इसके अलावा अंबुद, तोयद, पयोद, पय है प्लस दय, पयोद, अब्द, अब्द वर्ष भी होता है बच्चों, वर्ष, दय मतलब देने वाला, जल देने वाला कौन, बादल। और बच्चों अगर धी लगा दोगे, क्या लगा दोगे, धी, तो समुद्र के पर्यायवाची बन जाएंगे, जैसे जल धी, नीर धी, वारी धी, अंबु धी, तोय धी, पयो धी, अब धी, तो ये किसके हो जाएंगे, आपके समुद्र के। ठीक है, तो पानी के पर्यायवाचियों में जय लगाने से कमल के पर्यायवाची बनते हैं, जय मतलब जन्मा,
जल में जन्म लेने वाला कमल, दय लगाने से बादल के पर्यायवाची बनते हैं, दय मतलब देने वाला, जल देने वाला कौन, बादल, और धी लगाने से समुद्र के बनते हैं, धी मतलब धारण करने वाला, ठीक है। तो हमने पढ़ा इनमें से कौन सा गाय का पर्यायवाची नहीं, तो अंबु गाय का पर्यायवाची नहीं है, गो होता है, धेनु होता है, कपिला होता है, ठीक है। गो गाय के पर्यायवाची गो है, गौ, इसके अलावा गौ, इसके अलावा बच्चों धेनु, धेनु के अलावा सुरभि, सुरभि, सुरभि के अलावा दोगदी, दोगदी, दोगदी के अलावा पयस्विनी, पयस्विनी, पय होता दूध, दूध देने वाली, भद्रा और कपिला। वैसे कपिला पीले रंग की जो गाय है उसको कहते हैं कपिला, ठीक है। तो इसमें बच्चों अंबु इसका पर्यायवाची नहीं है, ये किसका पर्यायवाची है, जल का। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट, अगला हमारा क्वेश्चन है बच्चों, जमीन पर पैर न पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो जमीन पर पैर न पड़ना मुहावरे का अर्थ होता है अधिक घमंड करना, ठीक है। जमीन पर पैर न पड़ना मुहावरे का अर्थ होता है अधिक घमंड करना। कहते ना उसकी नौकरी क्या लग गई, उसके तो जमीन पर पांव ही नहीं पड़ते। नौकरी क्या मिल गई उसे, उसके तो जमीन पर पांव ही नहीं पड़ते, मतलब बहुत ज्यादा घमंड आ गया उसके अंदर। तो जमीन पर पैर न पड़ना अधिक घमंड करना, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखिए, श्रृंगार रस का स्थाई भाव क्या है। तो श्रृंगार रस का स्थाई भाव होता है रति, ठीक है। क्रोध होता है बच्चों रौद्र रस का, क्रोध किस रस का है, रौद्र रस का। भय किसका होता है स्थाई भाव, भयानक रस का। और हास, ये हरास नहीं है, ये हास है, हास, हास होता है हास्य रस का, ठीक है। तो श्रृंगार रस का स्थाई भाव क्या है, रति है। मैंने बताया ग्रुप डी के हर सेट में पूछे हुए हैं, तो आगे के लिए भी इनको याद रखना, श्रृंगार रस का रति है, जो हास्य रस का हास है, भयानक रस का भय, और रौद्र रस का क्या है, क्रोध। तो नेक्स्ट देखिए, अगला बच्चों सुमेलित कीजिए गिनतियां, फिर आ गई 62 ई। तो देखो ई वाले दो हैं, तो ये तो हो नहीं सकते, 62 का किससे मेल हुआ, ई से, या तो ये होगा या ये होगा, पहला ठीक। 55 छोटी, तो ये यहां आ गया, ये भी नहीं हो सकता, ये हो गया। और वैसे अगर करना चाहो 1939। नेक्स्ट, अदब शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग सही लगता है, अदब के साथ। तो बच्चों क्या नी लगेगा, नी अदब नहीं हो सकता, क्या कू लगेगा, कू अदब नहीं हो सकता, क्या ए लगेगा, ए अदब नहीं हो सकता, क्या लगेगा, बे अदब। तो बे जो है ना, ये भी क्या है बच्चों, विदेशी उपसर्ग है। कौन सा है, विदेशी, उर्दू या अरबी फारसी का जो है उपसर्ग है बे। जैसे बेईमान, बे प्लस ईमान, बेईमान, ठीक है, बे अदब, ठीक है, बिना अदब के, बेईमान बिना ईमान के, ठीक है, नेगेटिव अर्थ देता है बे। और कौन सा उपसर्ग है, विदेशी। नेक्स्ट देखिए, सही वर्तनी का चयन कीजिए। तो बच्चों ये तो आप जानते हो, कृत्रिम यों लिखा जाता है, कृत्रिम, बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला देखिए, प्रति प्लस उपकार प्रत्युपकार कौन सी संधि है, यण संधि है। प्रति प्लस उपकार प्रत्युपकार, बच्चों प्रति प्लस उपकार, कईयों को तो टोटका याद होगा कि यह से पहले आधा वर्ण है, इसका मतलब यण है, लेकिन सदैव नहीं होता बच्चों। ये वर्ण विच्छेद करो तो प्र प्लस तय प्लस ई, क्योंकि जहां संधि है सिर्फ वहीं कर ले, प्लस ऊ, यहां संधि होनी सिर्फ यहां कर ले, प्लस पकार को चाहिए यों का ही लिख दो, ई के आगे ऊ, भिन्न स्वर, ई या ई के आगे अगर भिन्न स्वर आता है, ई या ई के आगे अगर भिन्न स्वर, भिन्न स्वर मतलब इन दोनों को छोड़ के, तो ये यह में परिवर्तित हो जाती है, तो यह आधा यह बन गया। तो प्र तयादा, क्योंकि आगे व्यंजन आ गया, तो यह में ऊ की मात्रा यू, कार प्रत्युपकार। तो कौन सी संधि हुई, यण, प्रत्युपकार, उपकार के बदले उपकार, ठीक है, उपकार के बदले उपकार, प्रत्युपकार होता है।
अगर इसमें उपसर्ग पूछता तो क्या होता? प्रति। नेक्स्ट देखिए, गाय फल खा रही है, गाय का पद परिचय देना है। गाय का क्या है? पद परिचय। तो बच्चों गाय क्या है? क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा गाय? नहीं, व्यक्तिवाचक है नहीं, भाववाचक है गाय नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचा जातिवाचक। बाकी आगे भी देख लो, एक वचन है गाय बिल्कुल है, स्त्रीलिंग है बिल्कुल है, कर्ता कारक है बिल्कुल है, क्योंकि काम खाने का कौन कर रही है? गाय, और खा रही क्रिया का कर्ता है बिल्कुल है, खा रही क्रिया है इसका कर्ता है गाय, हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, गाय नहीं चलती, यह वाक्य भाववाच्य में क्या बनेगा? गाय नहीं चलती, तो भाववाच्य में भी पहली बात, भाववाच्य में क्या होता है? कर्ता के साथ से, द्वारा, के द्वारा का प्रयोग होता है। बच्चों चाहे कर्मवाच्य हो चाहे भाववाच्य हो, उनमें कर्ता के साथ किसका प्रयोग होता है? से द्वारा, के द्वारा का, ठीक है। दूसरी बात, तो से तो सभी में है, गाय से, गाय से, गाय से, गाय से। दूसरी बात, भाववाच्य में हमेशा अकर्मक क्रिया होती है, क्रिया तो इसके अंदर अकर्मक ही है क्योंकि कर्म है ही नहीं, गाय क्या नहीं चलती, जवाब नहीं है। तीसरी बात, क्रिया सदैव, इसकी जो क्रिया होती है वो सदैव पुलिंग, एकवचन और अन्य पुरुष में होती है, पुलिंग एकवचन और अन्य पुरुष में होती है। तब देखो गाय से चली नहीं जाती, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ये चली नहीं जाती, स्त्रीलिंग में होगी, गाय से चली गई नहीं होगा, ठीक है, गाय से चली गई नहीं होगा। एक बात और भी ध्यान रखनी बच्चों, क्योंकि ये नेगेटिव है तो नेगेटिव बनेगा, तो ये इसलिए भी नहीं होगा। अब रह गया दो ऑप्शन, एक तो गाय से चला नहीं जाता, अब इसमें भी क्रिया एक वचन और पुलिंग में है, और गाय से चला नहीं गया इसमें भी एक वचन और पुलिंग में है, तो क्रिया सदैव एक वचन पुलिंग अन्य पुरुष में होती है। आगे क्या देखना है? आगे ये देखना है बच्चों, ये किसमें है? वर्तमान में, तो इसका जवाब भी किस में होगा? वर्तमान में। तो गाय से चला नहीं जाता, ये कौन सा है? ये वर्तमान है बच्चों, क्या ये वर्तमान में, क्योंकि ये किस में है? भूतकाल में, ठीक है, गाय नहीं चलती तो गाय से चला नहीं जाता। नेक्स्ट देखिए, साधु शब्द का बहुवचन क्या है? तो साधु शब्द का बहुवचन, शब्द साधु ही होता है, साधु का बहुवचन साधु ही रहता है, ठीक है। लेकिन आजकल बच्चों एक चीज और ध्यान रखना, अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो ये इसका आंसर हो जाता, क्योंकि आजकल इनके त्रिक रूप बनाने लगे हैं। साधु, HSC ने एक तो एग्जाम में पूछा भी है, देखते हैं कौन से एग्जाम में आया है, तो त्रिक रूप बनाने लगे साधुओं ओ लगाकर, क्योंकि ये त्रिक रूप कहां प्रयोग होता है? जब इनके साथ विभक्ति लग जाती है, जैसे हम कहते हैं ना, नानक ने सारा धन साधुओं में बांट दिया, नानक ने सारा धन साधुओं में बांट दिया, तो जब वाक्य प्रयोग होते हैं ना आगे विभक्ति चिन्ह लगता है तो इस तरह बन जाता है साधुओं में। हमें साधुओं की सेवा करनी चाहिए, वैसे तो साधु, जैसे एक साधु, दो साधु, वहां दो साधु घूम रहे थे, तीन साधु आए हुए थे, तो साधु का साधु रहता है। लेकिन ध्यान रखना, अगर ये ऑप्शन में ना होता तब हम इसके साथ जाते, ठीक है, क्योंकि तिरेक रूप बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं? तिरेक रूप, तिरेक रूप। जैसे घर है बच्चों, घर का वैसे तो नहीं बनता, कहते हैं एक घर, दो घर, दो घर पक्के हैं, ठीक है, या तीन घर कच्चे थे, तीन घर कच्चे थे। लेकिन बच्चों अगर ये ऑप्शन में ना हो तो इसका घरों, क्योंकि तिरेक रूप ये बनता, जब वाक्य प्रयोग करते हैं तो विभक्ति लगती है, जैसे अपने घरों की देखभाल कीजिए, घरों की, ठीक है। तो इसी के साथ ये हमारा जो क्वेश्चन है, ये जो हमारा पेपर था जो 17 नवंबर को हुआ था 2018 को, ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो बच्चों अगला हमारा पेपर है HSC ग्रुप डी, 17 नवंबर 2018 इवनिंग सेशन का हम पेपर कर रहे हैं।
तो पहला हमारा क्वेश्चन है, किसी वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना की जाती है और दोनों में समानता पाई जाती है तो वहां कौन सा अलंकार है? उपमा। आप सभी जानते हो कि अगर दो वस्तुओं की तुलना करें, दोनों में समानता पाई जाए तो उपमा अलंकार होता है, क्योंकि उपमा का अर्थ ही होता है तुलना। उपमा का अर्थ क्या होता है? तुलना। ठीक है, जैसे बच्चों चांद सा सुंदर मुख, चांद सा सुंदर मुख, तो किसी वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना की जाए, मतलब चंद्रमा के समान सुंदर मुख, तो मुख की तुलना किससे की गई है? चांद से। चांद सा सुंदर मुख या मुख की तुलना चांद से की गई है तो इसलिए कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। ठीक है, तो उपमा अलंकार के चार अंग होते हैं। एक होता उपमेय, एक कौन सा होता है बच्चों? उपमेय। उपमेय होता जिसकी तुलना की जाए, तो यहां तुलना किसकी हो रही है? मुख की। मुख क्या है? उपमेय। उपमेय को प्रस्तुत भी कह देते हैं। दूसरा होता है उपमान, उपमान। उपमान को अप्रस्तुत भी कह देते हैं, जिस वस्तु से तुलना की जाए, या वो तुलना किससे हो रही है? चांद से। चार अंग है उपमा के, पहला उपमेय या प्रस्तुत, जिस वस्तु की तुलना की जाए, तुलना किससे हो रही है? मुख से। दूसरा उपमान, सॉरी, पहला उपमेय, जिस वस्तु की तुलना की जाए, तुलना किसकी हो रही है? मुख की। ठीक है, दूसरा उपमान, जिससे तुलना की जाए, तुलना किससे हो रही है? चांद से, इसको हम अप्रस्तुत भी कह देते हैं। तीसरा साधारण धर्म। तीसरा क्या है? साधारण धर्म। साधारण धर्म वो होता है जो दोनों में समानता होती है। दोनों में समानता कैसे? चांद भी सुंदर है, मुख भी सुंदर है, दोनों में जो समान गुण है उसको हम कहते हैं समान, वो साधारण धर्म। और चौथा वाचक शब्द। वाचक शब्द जो इसका लक्षण है बच्चों, इसकी पहचान है। तो इसमें वाचक शब्द क्या आया? सा। ठीक है, वाचक शब्द क्या आया? सा। तो उपमा के जो वाचक शब्द होते हैं, सा, से, सी, सम, समान, सरिस, सदृश्य, सदृश, तुल्य, जैसे, सरीखा, ये उपमा के वाचक शब्द हैं। वाचक शब्द मतलब उपमा की पहचान है। अगर सा आ जाए, जैसे यहां सा आया, तो मैं देखता ही पता चल जाएगा ये उपमा अलंकार है। ठीक है, सा, से, सी, सम, समान, सरी, सदृश्य, तुल्य, जैसे, सरीखा, जहां आ जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। जैसे चांद सा सुंदर मुख, तो सा आया। या नभ मंडल छाया मरुस्थल सा, नभ मंडल छाया मरुस्थल सा आ गया। ये देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे, अरविंद से शिशु वृंद से आया। वह जिंदगी भी क्या जिंदगी जो सिर्फ पानी सी बही, सी आया। निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है, निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है, सम आया। तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान, समान आया, तो उपमा अलंकार है। वैसे इसमें यमक भी है बच्चों, उर्वशी शब्द दो बार आया, दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। एक उर्वशी उर हृदय, बसी बस गई, और दूसरा उर्वशी उर्वशी जो स्वर्ग की अप्सरा है, इंद्र की अप्सरा, सरिस। जैसे पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर पात सरिस मंडोला, उसका मन पीपल के पत्ते के समान डोल रहा था, सरिस आया। ठीक है, सदृश चंवर सदृश डोल रहे सरसों के सर अनंत, सदृश आ गया। जैसे प्रात्य नब था बहुत नीला शंख, जैसे, जैसे आ गया। तो प्रात्य का जो नीला, प्रात्य का जो आकाश नीला, उसकी तुलना नीले शंख से की गई है। प्रात्य नब था बहुत नीला शंख, जैसे, सरीखा या सरीखी, क्योंकि इन सब का अर्थ होता समान। जैसे बच्चों कार्तिक मास के हसमुख सुबह गंगा तट से नहाकर लौटती, सुवासित भीगी हवाएं, सदा पावन मां सरीखी। मां सरीखी मतलब मां के समान। तो ये वाचक शब्द, ये उपमा की पहचान है। जिस भी शब्द, जिस भी वाक्य में सा, से, सी, सम, समान, सदृश्य, तुल्य, जैसा या जैसे, सॉरी, जैसा या जैसे, सरीखा या सरीखी आ जाए, वो कौन सा अलंकार होता है? उपमा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है,
तो बच्चों अक्षी आंख का पर्यायवाची होता है नेत्र भी होता है नयन भी होता है, मीन नहीं होता। मीन किसका पर्यायवाची है बच्चों? मछली का। तो मछली के जब पर्यायवाची आपके मछली के, तो मछली मीन है, मछली मत्स्य है, मछली झक झस सफरी, ठीक है, मकर। तो मछली के पर्यायवाची मीन है, मत्स्य है, झक है, झस है, सफरी है और मकर है, ठीक है। जलज भी कह देते हैं बच्चों, जल में जन्म लेती है इसलिए। और आंख के जो पर्यायवाची हैं अक्षी, अक्षी से बना है आंख, ये तत्सम शब्द है तद्भव अक्ष। इसके अलावा नेत्र, नयन, नयन भी लिख देते हैं, नयन से बना नयन, लोचन या विलोचन, दृग दृग। इसके अलावा नजर, चश्म जिससे बनता चश्मा, और दिद्दा, ये किसके पर्यायवाची है? आंख के। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट। पगड़ी उछालना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो पगड़ी उछालना मुहावरे का अर्थ है भयभीत होना नहीं होता बच्चों, स्वयं अपना नुकसान करना नहीं होता, आश्चर्य प्रकट करना यह भी नहीं होता, बेइज्जत करना। क्या होता है? बेइज्जत करना, ठीक है। तो पगड़ी उछालना बेइज्जत करना। नेक्स्ट देखिए, गंगा में स्नान, गंगा स्नान कौन सा समास है? गंगा में स्नान, गंगा स्नान कौन सा तत्पुरुष समास है? कौन सा बच्चों? अधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण है गंगा में समान, गंगा में स्नान कौन सा है? अधिकरण तत्पुरुष है, ठीक है। आपने पढ़ा है ना कि तत्पुरुष जो है विभक्ति चिन्हों के आधार पे छह प्रकार का होता है, छह प्रकार का क्रम तत्पुरुष, जहां को का लोप हो जाए, जैसे यश को प्राप्त, यश प्राप्त, ठीक है, जैसे ग्राम को आगत, ग्राम को आगत, ग्रामागत, को का लोप हो रहा है, सुख को प्राप्त, सुख प्राप्त, तो को का लोप हो जाए क्रम तत्पुरुष होता है, से द्वारा के द्वारा का लोप हो जाए तो कर्ण तत्पुरुष होता है, जैसे हम कहते हैं हस्त से लिखित, हस्त लिखित से का लोप हो गया, तुलसी द्वारा रचित, तुलसी रचित द्वारा का लोप हो गया, सूर द्वारा रचित, सूर रचित, ठीक है, द्वारा का लोप हो गया। इसके अलावा संप्रदान तत्पुरुष के लिए का लोप हो जाए, स्नान के लिए घर, स्नान घर, रसोई के लिए घर, रसोई घर, विद्या के लिए आल्य, विद्यालय, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष से अलग होने के अर्थ में, से अलग होने के अर्थ में का लोप हो जाए, से पथ से भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, रोग से मुक्त, रोग मुक्त। इसके अलावा बच्चों अपादान के अलावा संबंध तत्पुरुष का के की का लोप हो जाए, का के की भक्ति चिन्ह का, राजा का कुमार राजकुमार, ऋषि की कन्या ऋषि कन्या, राष्ट्र का पति राष्ट्रपति, और अधिकरण तत्पुरुष में पर का लोप हो जाए, किसका? में या पर का। गंगा में स्नान, में का लोप हो गया तो अधिकरण तत्पुरुष, जैसे जल में मगन, जल मगन में का लोप, जैसे आप पर बीती, आप पर बीती पर का लोप, आप बीती, घोड़े पर सवार घुड़सवार पर का लोप, ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट, बहु शब्द का बहुवचन रूप। तो बच्चों बहुत बार पढ़ चुके हैं बहु का बहुवचन होगा बहुएं, ठीक है, ए लग जाएगा क्योंकि स्त्रीवाचक है, बड़ाऊ है वो छोटे ऊ में परिवर्तित हो जाएगा, वधु वधुएं पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, सही वर्तनी। तो बच्चों प्रतिक्रिया है, आप जानते हो ये सही है, प्रतिक्रिया, क्रिया के बदले क्रिया, प्रतिक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट, जगत प्लस ईश जगदीश, जगत प्लस ईश जगदीश कौन सी संधि है? व्यंजन। बिल्कुल आसान है ढूंढना, क्योंकि व्यंजन संधि में एक व्यंजन होना जरूरी है, व्यंजन का या तो स्वर से मेल हो जाए या व्यंजन का व्यंजन से मेल हो जाए, व्यंजन का स्वर से मेल हो या व्यंजन का व्यंजन से मेल हो, तो कौन सी संधि होती है? व्यंजन। तो ये देखो तय क्या है? व्यंजन, और ई क्या है? स्वर। तो व्यंजन का स्वर से मेल, एक व्यंजन तो जरूरी है, दोनों हो तब भी, तो ये कौन सी संधि हो गई? व्यंजन संधि।
ठीक है। जैसे अगर हम ये कहते सत प्लस जन तो क्या बनता, सज्जन। तो ये व्यंजन, ये व्यंजन, व्यंजन का व्यंजन से मेल तो भी व्यंजन संधि, व्यंजन का स्वर से मेल तो भी कौन सी संधि है, व्यंजन संधि होती है। नेक्स्ट, हर एक ग्रंथ पढ़ेगा कर्म वाच्य में लिखना है, किस में लिखना है, कर्म वाच्य में। तो बच्चों हमने पढ़ा है अगर कृत्रिवाच्य से कर्म वाच्य बनाते हैं तो कर्ता के साथ से या दोबारा का प्रयोग होता है, हरी से, हरी से, हरी से, हरी ने, ये तो नहीं बनेगा। अब अगला, जब कर्मवाच्य बनाते हैं तो क्रिया किसके अनुसार चलती है, कर्म के अनुसार। ग्रंथ, ग्रंथ क्या है, पुलिंग है, एक वचन है, तो क्रिया आएगी पढ़ा, तो हरी से ग्रंथ पढ़ा, हरी से ग्रंथ पढ़ी जाएगी, गलत, हरी से ग्रंथ पढ़ा जाएगा। अब दो हो गए क्योंकि यहां भी क्रिया ग्रंथ के हिसाब से है एक वचन पुलिंग, यहां भी ग्रंथ के हिसाब से एक वचन पुलिंग। अब अगली बात क्या है, काल पहचानना, पढ़ेगा, पढ़ेगा भविष्य काल, भविष्य काल, तो कहां बनेगी, भविष्य काल में, ठीक है, किसमें बनेगा, भविष्य काल में। तो बच्चों पढ़ा गया ये तो भूतकाल में चला गया, क्योंकि एक बात हमें ये पता ना, जाना क्रिया आती सहायक क्रिया के रूप में, यहां भी जाना है, यहां भी जाना, क्यों, जाना का रूप गया और जाएगा, और ये क्या है, भविष्य काल में, तो इसलिए ये बनेगा बच्चों, हरी से ग्रंथ पढ़ा जाएगा। अब देखो अगर ये होता ना, देखो इनको हरी ग्रंथ पढ़ता है, ध्यान देना बच्चों, हरी ग्रंथ पढ़ता है, इसका कैसे बनता, ये मैंने लिखा है वर्तमान काल में। दूसरा, हरी ग्रंथ पढ़ेगा, ये मैंने लिख दिया भविष्य काल में, और हरी ने ग्रंथ पढ़ा ये मैंने लिख दिया भूतकाल में। देखो लास्ट में जाके काल बदलेगा, बाकी तो सेम रहेगा। अब इसमें देखो, हरी से सभी में आएगा, हरी से, हरी से, क्योंकि कर्ता के साथ से या दोबारा लगाते हैं, तो ऑप्शन में यहां से है, हरी से। अब कर्म ग्रंथ सभी में आएगा, ग्रंथ कॉमन है। अब क्रिया किसके अनुसार, क्योंकि कर्मवाच्य बदल रहे हैं तो कर्म के अनुसार, ग्रंथ के हिसाब से। ग्रंथ क्या है, एक वचन है और पुलिंग है, तो पढ़ना क्रिया का एक वचन और पुलिंग, पढ़ा, 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 पढ़ी तो नहीं हो सकता क्योंकि स्त्रीलिंग हो जाएगा, पढ़े तो नहीं हो सकता क्योंकि बहुवचन हो जाएगा। अब देखो, अब काल पे डिपेंड है, ये वर्तमान काल है, ये भविष्य है, और ये बच्चों हमारा भूतकाल है। अब हमने एक चीज पढ़ रखी है कि जाना क्रिया आती अपने आप, जाना सहायक क्रिया के रूप में, तो इसमें तो आएगा जाता है, वर्तमान में तो क्या आएगा, जाता है, वर्तमान में तो जाता आएगी जाना क्रिया, ठीक है, भूतकाल में गया आएगी, पढ़ा गया, और भविष्य काल में जाएगा होगी, जाएगा। तो ये डिफरेंस है बस, ठीक है, कर लोगे। नेक्स्ट देखो, सुमेलित करना है बच्चों, स्तासी आप जानते हो, ये स्तासी, पहला आ से, पहला आ, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, दो हो गए आ वाले। दूसरा छप्पन ऐसे, ए इसमें है, इसमें नहीं, ये भी नहीं हो सकता, ये होगा, और वैसे 35 आप जानते हैं, और 69 ये। नेक्स्ट देखिए, आयु शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग सही लगता, आयु, उप आयु नहीं हो सकता, स आयु नहीं हो सकता, प्रायु नहीं हो सकता, चिर हो सकता है, चिर प्लस आयु, तो शब्द क्या बना, चिरायु, क्योंकि कौन सी संधि हो गई बच्चों, दीर्घ, यहां ए है और यहां आ है, ए और आ मिलकर क्या हुआ, आ, तो कौन सा उपसर्ग सही लगेगा, चिर। तो बच्चों उपसर्ग भी खूब पूछे गए हैं, तो इनका अच्छा अभ्यास कीजिए। वैसे तो उपसर्ग जो है, उपसर्ग तभी आप निकाल पाओगे जब आपको संधि का पूरा ज्ञान होगा। अगर आपने संधि पूरी पढ़ ली बच्चों, संधि और समास ये टॉपिक हिंदी की जान है, रीढ़ की हड्डी है, अगर आपने संधि समास सही ढंग से पढ़ लिया तो आपकी वर्तनी गलत होने के चांस कम है, कि वर्तनी को अलग से नहीं पढ़ना होता, संधि से आती वर्तनी समास से आती है, लिंग से, वचन से, इन्हीं से वर्तनी आती है। इसके अलावा आपके उपसर्ग संधि सही पढ़ ली, प्रत्यय
ये सारे अपने आप हो जाएंगे, बहुत से पर्यायवाची उसमें आपके शामिल हो जाएंगे। तो इसलिए आपको क्या है कि पूरी पढ़नी चाहिए संधि, और हमने संधि की बड़ी अच्छी डिटेल से वीडियो डाली है, शायद 7 पार्ट में होगी संधि, उनको जरूर पढ़िए। आगे उत्साह, उत्साह किस रस का स्थाई भाव है, तब जानते उत्साह किसका है, वीर रस का। वीर रस का स्थाई भाव क्या है, उत्साह। श्रृंगार का आप जानते हो रति है, करुण का आप जानते हो शौक है, और शांत का निर्वेद या शम है, शांति है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। लड़का पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक का पद परिचय, पुस्तक का। तो बच्चों आप जानते पुस्तक क्या है, जातिवाचक है, बहुत आसान दिया। देखो पुस्तक जातिवाचक है, ये तो आप सभी जानते हो जातिवाचक है। तो देखो क्या इस ऑप्शन में जातिवाचक है, नहीं। इसमें भाववाचक है, इसमें व्यक्तिवाचक है, नहीं हो सकती, एक ही ऑप्शन बचा जातिवाचक बस। और वैसे आगे अगर देखना चाहो स्त्रीलिंग बिल्कुल है, पुस्तक स्त्रीलिंग होती, एक वचन भी है। कर्म कारक है, क्यों, क्या पढ़ता है, जवाब मिलेगा पुस्तक। और पढ़ता है क्रिया का क्रम है, बिल्कुल पढ़ता है क्रिया का क्रम है। ठीक है, तो ये हमारा जो पेपर था कंप्लीट हो गया। ठीक है, जो 17 नवंबर 2018 को हुआ था। हाँ बच्चों, अगला हमारा पेपर है HSC ग्रुप डी 11 नवंबर 2018 मॉर्निंग सेशन का। 11 नवंबर 2018 मॉर्निंग सेशन का पेपर है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, जहां उपमेय पर उपमान का आरोपण हो वहां कौन सा अलंकार होता है। अगर उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप हो तो वो होता है बच्चों रूपक अलंकार है। उपमेय पर उपमान का आरोपण हो दिया हुआ, लेकिन पूरी परिभाषा होती है उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप। अभेद का अर्थ में भेद ना किया जा सके। मैंने बताया था जब भी ए जो उपसर्ग के रूप में आता नेगेटिव वर्ब देता है, अभेद जिसमें भेद ना किया जा सके ऐसा आरोप हो वो कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूं। भगवान श्री कृष्ण अपनी मां यशोदा से कहते हैं, हे मां मैं तो चांद खिलौना लूंगा। बच्चों यहां चांद पर खिलौने का आरोप है, उपमेय पर उपमान का क्या है, आरोप है, अभेद्य आरोप। भगवान श्री कृष्ण चांद को देखते हैं और कहते अपनी मां से, हे मां मैं तो वो चांद खिलौना लूंगा, मतलब वो चांद को खिलौना कहता है, दोनों में भेद नहीं किया जा सकता, चांद को ही खिलौना कह देता है। उपमा में और इसमें फर्क है बच्चों, उपमा होता है अगर ये कहता चांद सा खिलौना, उस जैसा, उस जैसे का अर्थ है वो नहीं चाहिए कोई और लेकिन हो वैसा, तो दो अलग अलग चीजें हो गई। लेकिन वो कहता वो खिलौना, उसको क्या कहता वो चांद को खिलौना, तो चांद के ऊपर खिलौने का क्या है, आरोप है, चांद रूपी खिलौना, इसलिए कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार होता है। जैसे विज्ञान यान पर चढ़ी सभ्यता डूबने जाती है, विज्ञान यान पर चढ़ी सभ्यता डूबने जाती है। रामधारी सिंह दिनकर की कविता है, लोहे के पेड़ हरे होंगे तू गान प्रेम का गाता चल, नम होगी मिट्टी जरूर आंसू के कण बरसाता चल, उसी की पंक्तियां, विज्ञान यान पर चढ़ी सभ्यता डूबने जाती है। विज्ञान रूपी जहाज पर चढ़कर, विज्ञान को क्या कहा, जहाज यान कहा, विज्ञान पे यान का क्या है, आरोप है, इसलिए कौन सा अलंकार है बच्चों, रूपक अलंकार होता है। तो जहां उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप हो वहां कौन सा अलंकार होता है, रूपक। नेक्स्ट देखिए, सखी शब्द का बहुवचन रूप, तुम जानते हैं बच्चों सखियां, सखी का क्या होगा, सखियां। ठीक है, क्योंकि सखी जो है ई है इसमें स्त्रीवाचक है, तो पहले तो ये छोटी में परिवर्तित है और या प्रत्यय सखियां। नेक्स्ट देखिए, टस से मस न होना, टस से मस न होना, तो बच्चों चापलूसी करना बिल्कुल गलत है, कठिनाई में पड़ना यह भी गलत है, क्रोध में पागल हो जाना बिल्कुल गलत है, जरा भी न हिलना। कहता मेरे इतना कहने पर भी वो टस से मस नहीं हुआ, इतना कहने के बावजूद टस से मस नहीं हुआ, मतलब जरा भी नहीं हिला। तो ये क्या है हमारा, टस से मस न होना, जरा भी न हिलना। नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए,
बिल्कुल आसान है बच्चों, 27 आ से, पहला आ से एक ही ऑप्शन है, पहला आ, ये नाइस में, नाइस में, नाइस में। तो यो भी आप कर सकते हो पूरा करने की बजाय, कभी कभार अवसर का लाभ उठा सकते हो अगर इस तरह ऑप्शन आया हो तो। वैसे 75 आप जानते हो, ये 37 ये है और 92 ये है, ठीक है। तो पहला आ से, दूसरा ऐसे, तीसरा ई से, चौथा ई से, ठीक है। अगला देखिए, खुश शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग सही लगता है? खुश, क्या वी लग सकता है? वी खुश होता है कोई शब्द? नहीं, गलत। क्या बे होता है? बे खुश, गलत। सुखुश, गलत। ना खुश, ठीक है। तो ना जो है ना बच्चों, ये विदेशी उपसर्ग है, उर्दू या अरबी फारसी का उपसर्ग है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं विदेशी उपसर्ग, ये भी नेगेटिव अर्थ देता है। ना खुश मतलब न खुश, जैसे नादान, जैसे नालायक, न लायक हो जो, नालायक, नापाक, न पाक हो, ठीक है। तो ना उपसर्ग है इन सब के अंदर, और ना क्या एक विदेशी उपसर्ग है, उर्दू या अरबी फारसी का उपसर्ग है। नेक्स्ट, सही वर्तनी का चयन। प्रकृति आप जानते, ये है प्रकृति, यो लिखी जाती है प्रकृति, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, राक्षस शब्द का पर्यायवाची। बच्चों इतना देखते आंसर मत देना, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप पहला ही देखोगे असुर, राक्षस पर्यायवाची होता, आपने ठीक किया और गलत हो गया, क्योंकि नहीं पूछ रहा है, नहीं है। और परीक्षा में 5 से 7 क्वेश्चन या किसी के 4-5 क्वेश्चन ऐसे गलत होते हैं जो इसको आते हैं, उनको भी अगर हम सुधारने में कामयाब हो जाए तो भी हमारा सिलेक्शन जो है वो निश्चित हो जाता है। तो देखिए, राक्षस का पर्यायवाची शब्द नहीं है, सुर नहीं है, क्योंकि सुर देवता होता है। सुर क्या होता है? देवता, ठीक है। तो राक्षस जो है उसका पर्यायवाची होता है बच्चों असुर, मतलब देखो सुर का विलोम है असुर। अशुरू में दे दिया, उपसर्ग के रूप में नेगेटिव देता, जो सुर नहीं है, जो देवता नहीं है, वो राक्षस है, असुर। रजनीचर, क्योंकि रात्रि में घूमता है तो रजनीचर कहलाता है, ठीक है। बच्चों निशाचर भी कह सकते हैं, रात में घूमता है, निशाचर। तमचर भी कह सकते हैं, तम अंधकार में जो घूमता है, तमचर। दनुज भी कह सकते हैं बच्चों, दनुज, दनु की संतान, दनु से जन्मा। दानव भी कह सकते हैं, दानव, दानव, ठीक है। इसके अलावा दैत्य भी कहलाते हैं, दैत्य। तो दैत्य शब्द में ध्यान देना, यह प्रत्यय है, दिति प्लस यह, ये जब प्रत्यय आएंगे तब डिटेल से समझाएंगे, दिति प्लस यह दैत्य। तो दिति की संतान, कहते हैं राक्षसों की मां का नाम दिति था, दिति से जन्मे तो दैत्य कहलाए, ठीक है। तो चाहे आप असुर कहो, रजनीचर कहो, निशाचर कहो, तमचर कहो, दनुज, दानव, दैत्य, ये सारे के सारे क्या हैं बच्चों? ये सारे के सारे राक्षस के पर्यायवाची हैं। देवता, सुर कह सकते हैं आप देवता को। अजर कह सकते हैं जो कभी बूढ़े ना हो। अमर कह सकते हैं जो कभी ना मरे, ठीक है। इसके अलावा दैत्यारी कह सकते हैं, दैत्यारी, दैत्य के अरी स्त्रु, दैत्य के स्त्रु कौन है? राक्षस है, ठीक है। इसके अलावा असुर, असुरारी, असुरों के अरी स्त्रु कौन है? देवता है, ठीक है। विबुद कह सकते हैं बच्चों, विबुद, गिरवाण कह सकते हैं, ये सारे किसके पर्यायवाची हैं? देवता के, ठीक है। तो यहां एक चीज और ध्यान देना बच्चों, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, कि जो निशाचर शब्द है, निशाचर कौन सा शब्द है? निशाचर, इसमें कई बार गलती होती है, निशाचर, क्योंकि दरअसल बच्चों ने पढ़ा होता निशाकर या पढ़ा होता निशाचर, निशाचर होता राक्षस और निशाकर होता है चंद्रमा। निशाचर कौन होता है? राक्षस, और निशाकर कौन होता है? चंद्रमा। वैसे निशाचर एक अनेकार्थी शब्द है, कई बार पेपर में आता है अनेकार्थी शब्द, मतलब एक से ज्यादा अर्थ है इसके, मतलब एक से ज्यादा कैसे? बच्चों देखो, निशा होता रात, चर मतलब घूमने वाला, रात में घूमने वाला राक्षस, और निशा
कर करने वाला कौन? चंद्रमा। रात करने वाला चंद्रमा और रात को घूमने वाला जो है राक्षस, तो इसको आप रजनी कर भी लिख सकते हो, किसको? चंद्रमा को। ठीक है, तो बच्चों निशाचर के बारे में पढ़ रहे थे कि अनेकार्थी शब्द एक से ज्यादा अर्थ है, क्यों इसका अर्थ होता है निशाचर, निशा रात चर घूमने वाला, तो रात में राक्षस घूमते हैं। ठीक है बच्चों, रात में जो है वो उल्लू भी घूमता है, तो उल्लू भी निशाचर है। चमगादड़ भी रात में घूमता है, तो ये भी निशाचर है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों चोर जो है, चोर भी रात में घूमता है, वो भी निशाचर है। और कहते हैं बच्चों भूत प्रेत भी रात में घूमते हैं, वो भी क्या है? निशाचर है। ठीक है, तो चाहे राक्षस हो, उल्लू हो, चमगादड़ हो, चोर हो, भूत प्रेत हो, ये सारे के सारे क्या है? निशाचर। ठीक है, क्योंकि रात में घूमने वाले निशाचर कहलाते हैं। तो ये एक अनेकार्थी शब्द है, इसका ध्यान रखना। अगला देखो, करुण रस का स्थायी भाव। आप जानते हो करुण का क्या है? शोक। क्रोध जो है वो किसका स्थायी भाव है? क्रोध रौद्र रस का। भय किसका है? भयानक रस का। रति किसका है? श्रृंगार रस का। तो श्रृंगार लिखने में भी बच्चों ध्यान रखना, मोस्टली बच्चे यूं लिखते हैं श्रृंगार को, जो कि अशुद्ध हो जाता है, ये गलत है श्रृंगार बच्चों, यूं आएगा श्रृंगार। यूं श्रृंगार, इसी प्रकार यूं ही होता है श्रृंखला, यूं ही होता है श्रीगाल, श्रीगाल होता है गीदड़, यूं होता है श्रृंग, यूं ही क्या होता है श्रृंग, श्रृंग मतलब सींग। तो ये यूं लिखे जाते हैं बच्चों। अब इसकी पहचान क्या है? पहचान ये बिल्कुल आसान है कि ये गलत है। इसकी पहचान बिल्कुल सही सीधे तरीके से हो सकती है आपको। हिंदी में या तो ये बनावट है और या फिर ये बनावट है, क्योंकि ये शय में री की मात्रा है। शय में री की मात्रा अगर आप लगाओगे तो वो यूं लिखी जाती है, यूं। और ये शय में रह जुड़ा हुआ है, अगर आप शय में रह जोड़ोगे तो वो यूं लिखा जाता है। ये दो ही बनावट हैं, मतलब या तो ये बनावट है और या तो ये बनावट है। ठीक है, ऐसी कोई भी बनावट नहीं है जो ये भी हो और ये भी, ये अशुद्ध है। ऐसी बनावट अगर आपको कहीं दिखाई दे वो शब्द व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, चाहे आपको उसका पता हो या ना पता हो। बहुत से बच्चे यूं लिखते हैं श्रृंखला, तो ये गलत है, क्योंकि ये कोई बनावट होती ही नहीं। दो ही है, या तो ये है शय में री या ये है शय में रे, ऐसा ये रे भी लग गया और री भी, कभी नहीं होता। नेक्स्ट देखिए, इति प्लस आदि इत्यादि कौन सी संधि है? यण, क्योंकि ये ई प्लस तय प्लस ई है, इति में ई तय प्लस ई प्लस आ, और दी को चाहे यो का भी लिख लो, ई के आगे आ भिन्न स्वर, तो ई किस में परिवर्तित? य में। ई तय धा य प्लस आ या इत्यादि, तो यदि ई या ई के आगे कोई भिन्न स्वर आए और ई या ई य में परिवर्तित हो तो यण संधि बच्चों। और वो टोटका भी याद हुआ कई बच्चों को ना, ये से पहले आधा वर्ण है, तो मोस्टली हर टाइम नहीं, मोस्टली कौन संधि होती है? यण। नेक्स्ट, मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो पढ़ता है, पढ़ता है, ये जो पढ़ता है इसका पद परिचय देना हमने। तो बच्चों देखो, इसमें सबसे पहले अकर्मक अकर्मक सकर्मक सकर्मक दो क्रियाएं दी हुई हैं। कर्म के आधार पर क्रिया दो तरह की होती है, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक जो अपने साथ कर्म नहीं लेती, क्योंकि ए प्लस कर्मक बिना कर्म के, और सकर्मक स प्लस कर्मक जो कर्म सहित आए अपने साथ कर्म लेती है। और कर्म की पहचान क्या होती है? क्रिया से पहले क्या किसे किसको लगा के हम प्रश्न करते हैं, अगर जवाब मिले तो उसमें क्या होता है? सकर्मक कर्म होता है। तो यहां देखो, यह क्रिया इससे पहले क्या लगाया, क्या पढ़ता है, तो जवाब मिलेगा ना पुस्तक। तो क्या किसे किसको किससे पहले लगाना क्रिया से, अगर जवाब मिल जाए तो उसमें कर्म है, कर्म है तो वो सकर्मक है। तो क्या पढ़ता है? जवाब मिला पुस्तक, इसका मतलब कर्म है, कर्म है तो ये सकर्मक है। ये अकर्मक वाला गया और ये अकर्मक वाला गया, ये ऑप्शन नहीं हो सकते। अब देखो, सकर्मक दो हो गया, उसके बाद
हमने देखना है यहां दिया हुआ है सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, यह कृत्रिवाच्य, यह क्रमवाच्य है। तो बच्चों यह क्रमवाच्य नहीं है, क्योंकि क्रमवाच्य में कर्ता के साथ से द्वारा, के द्वारा मिलता है, किसमें, क्रमवाच्य में। और अगर हमारा कर्तृवाच्य हो, कर्तृवाच्य हो, तो उस दौरान कर्ता के साथ या तो कोई चिन्ह नहीं होता या नहीं होता है। तो इसका मतलब या मोहन के साथ कोई चिन्ह नहीं है तो कर्तृवाच्य है, मतलब ये होगा हमारा। चलो आगे भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, वैसे तो आंसर मिल गया हमें। वर्तमान काल, यहां भी वर्तमान है, बिल्कुल है, पढ़ता है, पढ़ता है, वर्तमान काल है। आगे कह रहा एक वचन, पढ़ता है, एक वचन है, बिल्कुल। या कहता बहुवचन, बहुवचन तो नहीं है, पढ़ते हैं होना चाहिए था, ठीक है। पुलिंग, पुलिंग, तो इसका मतलब कौन सा आंसर हुआ, सी। नेक्स्ट, लक्ष्मण से मेघनाथ मारा गया, इसे कर्तृवाच्य में लिखिए, कर्तृवाच्य में लिखना है लक्ष्मण से मेघनाथ मारा गया। तो बच्चों यह है क्रमवाच्य में, तो कर्तृवाच्य बनाएंगे तो इसके साथ कोई चिन्ह नहीं आएगा या नहीं आएगा, कोई चिन्ह नहीं आएगा या नहीं आएगा। पीछे भूतकाल में है, भूतकाल में मारा गया, तो यह लक्ष्मण मेघनाथ को मारता यह तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो वर्तमान काल में है। दूसरा, लक्ष्मण मेघनाथ को मारा, यह तो वाक्य अशुद्ध है, लक्ष्मण मेघनाथ को मारा। अगला, लक्ष्मण मेघनाथ को मारेगा कहां चला गया, भविष्य काल में, काल तो वही रखना पड़ेगा ना, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, डी, तो यह भी गलत था ना। और वैसे भी इससे अगर हम क्रमवाच्य बनाएं तो देखो क्या होगा, क्रमवाच्य बनाएंगे तो लक्ष्मण कर्ता के साथ से या द्वारा, तो इसमें से या तो से लगा देते हैं, फिर मेघनाद, मेघनाद रावण के पुत्र का नाम था मेघनाद, इंद्रजीत भी कहते थे उसको, क्योंकि इंद्र को जीत लिया था उसने, उस पर विजय प्राप्त कर ली थी। उसके बाद क्या होता है, अगर कर्तृवाच्य में कर्म के साथ व्यक्ति चिन्ह है तो उसको हटा देते हैं, हटा दिया, फिर क्रिया लगाई, क्रिया मारा, किसके अनुसार चलेगी, अब कर्म के अनुसार, कर्मवाच्य में परिवर्तन कर रहे हैं तो कर्म के अनुसार चलती क्रिया, कर्तृ में दोनों के अनुसार हो सकती है, कर्म के अनुसार भी और कर्ता के अनुसार भी। तो मेघनाद एक वचन था, एक वचन, पुलिंग था, पुलिंग, मारा। अब जाना क्रिया आएगी सहायक क्रिया के रूप में, कर्मवाच्य में जाना क्रिया सहायक क्रिया के रूप में आती है, तो जाना का भूतकाल है ये, भूतकाल में क्या होगा, गया, तो इससे बना ना ये, तो इसका मतलब ये आंसर है। नेक्स्ट, तीन भुवनों का समूह त्रिभुवन, तीन भुवनों का समूह त्रिभुवन कौन सा समास है, तो बच्चों द्विगु समास है। तो द्विगु कौन सा होता है, पूर्व पद संख्यावाची हो, पूर्व पद क्या हो, संख्यावाची, एक संख्या हो, और समस्त पद समूह का बोध कराए, समस्त पद किसका बोध कराए, समूह का बोध कराए, तो वो क्या होता है बच्चों, वो होता है, तो इसमें देखो पूर्व पद संख्यावाची है, त्रि, त्रि मतलब तीन, और समूह का बोध करा रहा है त्रिभुवन, तीन भुवनों का समूह, इसलिए कौन सा समास है, ये द्विगु समास है। जैसे हम कहते हैं बच्चों अठन्नी, पूर्व पद अठ, आठ एक संख्या है, और समस्त पद समूह का बोध करा रहा है, आठ आनों का समूह। जैसे चवन्नी, पूर्व पद चव, चार संख्या है, और समस्त पद समूह का बोध करा रहा है, चार आनों का समूह। खुद बच्चों द्विगु भी द्विगु का बहुत अच्छा उदाहरण है, द्विगु भी द्विगु का बहुत अच्छा उदाहरण है, द्वि दो, गु गायों का समूह, दो गायों का समूह क्या कहलाता है, द्विगु, ठीक है। तो इसमें कौन सा समास हुआ, द्विगु समास, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा एग्जाम था ग्रुप डी का, जो 11 नवंबर 2018 को मॉर्निंग में हुआ, ठीक है। आगे हम अगला एग्जाम पढ़ेंगे। तो बच्चों अगला हमारा पेपर है HSC ग्रुप डी 11 नवंबर 2018 इवनिंग सेशन का पेपर, हम डिस्कस करेंगे आगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है या कौन सा अलंकार है। तो क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं यहां तुलना है मुख की और चंद्रमा की, तो इसलिए कौन सा अलंकार है, उपमा।
और वैसे भी आपने उपमा के वाचक शब्द पढ़े थे, सा से सी सम समान सरी सदृश्य तुल्य जैसे सरीखा जहां आ जाए। सा से सी हम पहले पढ़ चुके हैं सारे, सा से सी सम समान, जो यहां समान आया है, सरिस सदृश तुल्य जैसे सरीखा, वहां कौन सा अलंकार होता है, वहां हमारा उपमा अलंकार होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए अगला, अगला क्वेश्चन है आसमान से बातें करना। आसमान से बातें करना इस मुहावरे का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन निश्चित होना नहीं हो सकता, अगला है असंभव कार्य करना यह हो सकता है, अगला युद्ध भूमि से भाग जाना नहीं हो सकता, हार मान लेना नहीं हो सकता। ठीक है, तो आसमान से बातें करना क्या होता है? असंभव कार्य करना। ठीक है बच्चों, एक होता हवा से बातें करना, हवा से बातें करना होता बहुत तेज दौड़ना, हवा से बातें करना यह होता बहुत तेज दौड़ना। जैसे हम कहते हैं राणा प्रताप का घोड़ा हवा से बातें करता था, राणा प्रताप का घोड़ा जो था चेतक हवा से बातें करता था, मतलब बहुत तेज दौड़ता था, और आसमान से बातें करना असंभव कार्य करना। नेक्स्ट अगला देखिए, रात का पर्यायवाची नहीं है। तो बच्चों कई बार आया रात का पर्यायवाची, तो हम जानते हैं अंबर जो है वो रात का पर्यायवाची नहीं है। अंबर किसका पर्यायवाची है? आकाश का। वैसे अंबर एक अनेकार्थी शब्द है, इसका एक अर्थ होता वस्त्र, क्या होता वस्त्र अंबर। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा पीतांबर पीले हैं अंबर वस्त्र जिसके, तो अंबर अनेकार्थी शब्द है, अंबर आकाश भी होता है और अंबर वस्त्र भी होता है। ठीक है, तो आकाश गगन नभ व्योम अंबर, ठीक है ध्रुव, ये सारे क्या हैं, किसके पर्यायवाची? आकाश के। अच्छा वस्त्र की बात करें तब जानते हो चीर कपड़ा वसन ढुकुल, क्या होता है ढुकुल भी वस्त्र का पर्यायवाची होता है ढुकुल। परिधान, वस्त्र कहो अंबर कहो चीर कहो परिधान कहो वसन कहो, इसके अलावा ढुकुल कपड़ा कहो, और आकाश नभ गगन व्योम, इसके अलावा अंबर ध्यू, ये किसके पर्यायवाची थे? आकाश के। रात निशा रजनी यामिनी, निशा रजनी यामिनी तमिश्रा शपा, ठीक है ये क्या हमारे रात के पर्यायवाची हैं। रात्रि, रात्रि से ही बनता है रात, क्योंकि रात्रि तत्सम शब्द, रात इसका तद्भाव है। नेक्स्ट अगला देखिए, तत्पुरुष समास में पहली बात पहला खंड प्राय प्रधान होता है, दूसरा अथवा अंतिम खंड प्राय प्रधान होता है, दोनों खंड प्रधान होते हैं, दोनों खंड प्रधान होकर समस्त पद किसी संज्ञा का बोधक होते हैं। तो बच्चों तत्पुरुष समास में कौन सा होता है? दूसरा या अंतिम, या इसको हम कहते हैं उत्तर, उत्तर पद यह प्रधान होता है। हमने पढ़े थे प्रधानता या प्रधानता के आधार पर समास चार प्रकार के होते हैं, अविभाव समास, पूर्व पद प्रधान पहला पद प्रधान, या जिसका कहते हैं पहला खंड प्रधान वो कौन सा? अविभाव। कौन सा होता है? अविभाव, ठीक है। और दूसरा पद प्रधान या अंतिम खंड या उत्तर पद वो होता है हमारा तत्पुरुष, क्या होता है? तत्पुरुष। और तत्पुरुष के दो भेद हैं, एक क्रमधारी है और दूसरा द्विगु, तो इनमें भी पूछे कौन सा खंड प्रधान है तो द्वितीय होगा, और जिसमें दोनों खंड प्रधान द्वंद्व, कौन सा होता है? द्वंद्व। और दोनों अप्रधान, दोनों अप्रधान, ना पहला पद प्रधान ना दूसरा पद प्रधान, कोई तीसरा पद प्रधान हो वो होता है बहुव्री, 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 ठीक है। नेक्स्ट देखो अगला, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? क्रोध, तो बच्चों क्रोध जो है वो किस रस का? रौद्र रस का स्थायी भाव है। रौद्र का क्या है? क्रोध। विवत्स रस का क्या है? जुगुप्सा।
या घृणा, जुगुप्सा या घृणा, जुगुप्सा या घृणा, शांत रस का निर्वेद या शम। तो आपको ये सभी पता होने चाहिए। करुण का शोक, ये जो हमारे नौ रस हैं, जिसमें चार तो ये हो गए करुण, इसका शोक होता है, रौद्र का क्रोध, शांत का निर्वेद या शम, विभत्स का जुगुप्सा या घृणा। इसके अलावा हमने पहले ही पढ़े थे श्रृंगार, श्रृंगार का रति, श्रृंगार का क्या है रति। हास्य रस, हास्य रस का हास, हास्य रस का क्या है हास। इसके अलावा हमने पढ़ा था विस्मय रस, आश्चर्य, ठीक है, विस्मय रस आश्चर्य। इसके अलावा और कौन सा था हमारा, क्रोध आ गया है, रौद्र का है, विभत्स का जुगुप्सा या घृणा है, शांत का निर्वेद या सम है, करुण का शोक है। बच्चों इसके अलावा वीर रस, वीर का होता उत्साह, भयानक, भयानक का होता भय। तो ये शुरू में नौ रस माने गए थे, इसको कहते हैं रसराज, श्रृंगार रस को। तो बाद में दो रस जोड़े, एक जिसमें वात्सल्य रस था, वात्सल्य, जिसका स्थाई भाव वात्सल्य या वत्सल, और एक भक्ति रस जिसका ईश्वर विषयक प्रेम, ईश्वर विषयक प्रेम मतलब ईश्वर के प्रति प्रेम, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए अगला, जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। बच्चों हमने पढ़ा था पहले वाले पेपर में भी, व्यंजन का व्यंजन से मेल हो जाए या व्यंजन का स्वर से, व्यंजन का व्यंजन से मेल हो या व्यंजन का स्वर से मेल हो, तो ये देखो तय, ये क्या है व्यंजन और न क्या है व्यंजन। तो व्यंजन का व्यंजन से मेल हुआ तो ये कौन सी संधि होगी, मतलब एक व्यंजन होना जरूरी है, दूसरा उसके साथ स्वर हो सकता है। जैसे अगर ये होता जगत प्लस ईश तो क्या बनता, जगदीश। अब इसमें ये तय क्या है, व्यंजन ई क्या है, स्वर। तो एक व्यंजन दूसरा स्वर तब भी व्यंजन, दोनों व्यंजन तब भी व्यंजन, मतलब एक व्यंजन होना जरूरी है। तो कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। नेक्स्ट अगला, समझदार लड़के नहीं लड़ते, इस वाक्य में लड़के का पद परिचय, लड़का जो है उसका पद परिचय। हम जानते हैं लड़का क्या है, जातिवाचक संज्ञा। तो देखो बच्चों ये ऑप्शन गया, ये भी गया और ये भी गया, तो एक ही ऑप्शन बचा। तो कई बार तो पूरा हमें करने की जरूरत भी नहीं है, हम पहले ही बता देते हैं, लेकिन क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं तो पूरा करेंगे। लड़का जातिवाचक है, बिल्कुल है, पुलिंग भी है, बिल्कुल है, बहुवचन है, कर्ता कारक है, क्योंकि समझदार लड़के ये क्या है, कर्ता, कर्ता कारक है, और लड़ते क्रिया का कर्ता है, किस क्रिया का, लड़ते का। तो अगला देखिए, राम ने श्याम को कथा सुनाई, कृत्रिवाच्य में लिखिए, राम ने श्याम को कथा सुनाई। तो बच्चों कृत्रिवाच्य में लिखना है, पहला तो देखो हमने ऑप्शन जो है वो डिलीट करने, कुछ जिनका अगर सेंटेंस सही नहीं है, जो वाक्य शुद्ध ही नहीं है उसको डिलीट कर दो। पहला राम श्याम को कथा सुनाया, कैसा वाक्य होता है राम श्याम को कथा सुनाया, नहीं होता। राम ने श्याम को कथा सुनाई ये हो सकता है, इसको एक बार रख लेते हैं, राम ने श्याम को कथा सुनाया ये भी गलत है, और राम ने श्याम को कथा सुनाता है ये भी गलत है। तो एक ही ऑप्शन आपके पास बचा, तो कई बार तुम्हें करके देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि चार ऑप्शन दिए हैं, चार में से तीन वाक्य ऐसे जो अशुद्ध है। राम श्याम को कथा सुनाया कोई वाक्य नहीं बन रहा, राम ने श्याम को कथा सुनाया गलत है, और राम ने श्याम को कथा सुनाता है नहीं, या तो होना चाहिए राम श्याम को कथा सुनाता है। तो एक ही वाक्य बचा, राम ने श्याम को कथा सुनाई। अब इसका देखो ये कृत्रिवाच्य है, इसका कर्मवाच्य देखो ये बनता नहीं बनता। तो राम क्या इसमें कर्ता, कर्ता के साथ से द्वारा के द्वारा लगाते हैं जब कर्मवाच्य बनाते हैं, तो यहां से तुम से लगाया श्याम। अब क्योंकि कर्मवाच्य में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्रिया कर्म के लिंग वचन के अनुसार चलेगी, तो श्याम एक वचन है, ठीक है, को कथा। अब देखो सुनाई, दोबारा देखना इसको,
राम से श्याम को कथा सुनाई और जाना क्रिया सहायक क्रिया के रूप में। ठीक है, दरअसल क्या कर रहे थे हम, कर्ता क्या है, राम, राम के साथ से लगाया, फिर श्याम को कथा, अब कथा के अनुसार, क्योंकि कथा क्या है, कर्म, इसके अनुसार क्रिया चलेगी, कथा स्त्रीलिंग है तो क्या आई, सुनाई। अब दूसरा क्या था, जाना क्रिया सहायक क्रिया के रूप में आएगी, गई, तो राम से श्याम को कथा सुनाई गई, तो इसका यह बनता है, इसलिए कौन सा आंसर हुआ, बी। नेक्स्ट देखिए अगला, थाली शब्द का बहुवचन रूप, थाली का थालियां हम बहुत बार कर चुके हैं बच्चों, अगर कोई स्त्रीवाचक शब्द है अंत में बड़ी है तो बहुवचन बनाते वक्त तो उसकी छोटी हो जाती है और यहां प्रत्यय लगता है, थालियां, थाली, थालियां, जैसे टोपी, जैसे टोपियां, क्योंकि यह स्त्रीवाचक शब्द है अंत में बड़ी है तो छोटी भी और यहां प्रत्यय इसके अंदर लग गया। और यह बार बार हम इसका भी जिक्र कर रहे हैं क्योंकि वर्तनी में बहुत बार पूछते हैं बच्चों, दवाई, दवाइयां यों लिखते हैं, इसी नियम के अनुसार स्त्रीवाचक है बड़ी छोटी में कन्वर्ट और यहां प्रत्यय, जहां यों लिखा मिलेगा वो गलत है। इसका बार बार जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। मिठाई यो मिठाइयां यो, बधाई यो बधाइयां यो, इकाई यो इकाइयां यो, लड़ाई यो लड़ाइयां यो, ठीक है, कठिनाई यो और कठिनाइयां यो। नेक्स्ट देखिए अगला, सुमेलित करना है, बिल्कुल आसान है, बहुत बार कर चुके हैं। नवासी, पहला ई से एक ही ऑप्शन है, ये ना तो इसमें है ना इसमें ना इसमें, तो इतना देखते ही कई बार क्वेश्चन हो जाएगा, पूरा करो तो देखो। दूसरा 19 ऐसे 37 ई से और 74 वो किससे, आ से। नेक्स्ट, गुण शब्द को कौन सा उपसर्ग सही लगता है, तो गुण में बेगुण गलत है, कुगुण गलत है, प्रगुण गलत है, क्या आएगा, अवगुण, अवगुण। अब एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, अव जो ना अव, ये तत्सम उपसर्ग है, तत्सम उपसर्ग का अर्थ है यह संस्कृत का उपसर्ग है, जो संस्कृत के 22 उपसर्ग उनमें से एक है, जैसे अवगुण, अवतार, ठीक है, अवसर, यूं बनाते हैं। और इसी का हिंदी में बनता है उपसर्ग औ, यह तद्भाव उपसर्ग है, तद्भाव मतलब हिंदी का उपसर्ग है, मतलब जो संस्कृत में औ है वही उपसर्ग हिंदी में औ बन जाता है। जैसे इनको अगर हिंदी में हम लिखें तो ये लिखा जाएगा अवगुण, ये अवतार, ये अवसर, ठीक है। तो यहां ये भी ध्यान रखना बच्चों, ये शब्द क्या है, तत्सम संस्कृत के, और ये क्या है, तद्भाव। तो तत्सम तद्भाव भी कहीं पूछ ले तो अवगुण का अवगुण, अवतार का अवतार, अवसर का अवसर, मतलब जो अव उपसर्ग है संस्कृत भाषा का हिंदी में औ हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखिए, सही वर्तनी निर्धारित, तो बच्चों ये ऑप्शन सही है, निर्धारित यूं लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा HSC ग्रुप डी का 11 नवंबर 2018 को इवनिंग सेशन का पेपर था। हाँ बच्चों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है HSC ग्रुप डी 10 नवंबर 2018 मॉर्निंग सेशन का, 10 नवंबर 2018 मॉर्निंग सेशन का, जहां एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं, एक शब्द के एक से अधिक अर्थ, तो वहां कौन सा अलंकार होता है, सलेस। तो बच्चों आप ने पढ़ा होगा सलेस जो शब्द है, सलेस, सलेस का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना, सलेस का शाब्दिक अर्थ, इसका वर्ड मीनिंग होता है चिपकना, ठीक है। तो काव्य की जिन पंक्तियों में एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हों, शब्द एक उसके अर्थ अनेक, तो वहां कौन सा अलंकार होता है, चिपक, सलेस अलंकार होता है। जैसे गरीब की किस्मत में सोना कहां, गरीब की किस्मत में सोना कहां, गरीब की किस्मत में सोना कहां। तो बच्चों अब यहां देखिए, तो सोना शब्द के दो अर्थ हैं, गरीब की किस्मत में सोना कहां, नींद कहां, और गरीब की किस्मत में सोना कहां, धन कहां।
तो एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हैं, इसलिए कौन सा अलंकार है, इसलिए हमारा श्लेष अलंकार है। जैसे मंगन को देखी पट देत बार बार है, मंगन को देखी पट देत बार बार है, तो पट शब्द के दो अर्थ हैं। पट, पहला पट वस्त्र और दूसरा इसका अर्थ है किवाड़, कि मंगन को देखी, जैसे कोई मंगता कोई भिखारी आया उसको देखकर पट देत वस्त्र, पट मतलब वस्त्र, देत बार बार है, जैसे ही कोई मंगता है उसको वस्त्र दे दिया, मंगता है उसको वस्त्र दे दिया, और मंगन को देखी पट देत बार बार है, जैसे ही कोई मंगता किवाड़ बंद। तो पट के दो अर्थ हैं, एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हो तो वो कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है। जैसे भूषण बिनु न विराजती कविता बनीता मीत, भूषण के यहां तीन अर्थ हैं, भूषण बिनु न विराजती मतलब नहीं सजती, अच्छी नहीं लगती, भूषण के बगैर ये तीन चीजें अच्छी लगती, क्या, कविता, कविता के लिए भूषण का अर्थ है अलंकार, कविता की सजावट किससे होती है, अलंकार से। दूसरा बनीता, बनीता नारी का पर्यायवाची, स्त्री का, ठीक है, उसके लिए भूषण का अर्थ है आभूषण, क्योंकि उसकी नारी की सुंदरता आभूषण से होती है। और मीत, मीत मतलब मित्रता, तो वहां भूषण व्यक्ति का नाम है, कि व्यक्ति का नाम मतलब भूषण के बिना मित्रता भी नहीं सजती। तो ये तीन अर्थ हुए, इसलिए कौन सा अलंकार, एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हो तो कौन सा अलंकार होता है, श्लेष। अगला देखो, निम्न में अश्व का पर्यायवाची नहीं है, अश्व का पर्यायवाची नहीं है, तो अश्व का पर्यायवाची कीर नहीं है बच्चों, कीर तोता का पर्यायवाची होता है, तोता, अश्व जिसको हम कहते हैं घोड़ा या घोटक, घोटक तत्सम शब्द है, घोड़ा हिंदी का शब्द तद्भव, घोटक से बना घोड़ा, तुरंग, तुरंगम, वाजी, हाय, ये किसके पर्यायवाची हैं, अश्व के, घोड़े के। तो अगला देखिए, रसोई का घर, रसोई घर कौन सा समास है, तो बच्चों एक्चुअल में तो इसका विग्रह सही तो ये होता है, रसोई के लिए घर, रसोई घर, स्नान के लिए घर, स्नान घर, ठीक है, अन्न के लिए आगार, अन्नागार, ठीक है। तो लेकिन चलो इन्होंने विग्रह कर रखा है, तो ये क्या होगा, तत्पुरुष। वैसे तो होता तो इसमें के लिए के हिसाब से संप्रदान तत्पुरुष, कौन सा, संप्रदान तत्पुरुष, तत्पुरुष का एक भेद है, लेकिन यहां दे रखा का उसके हिसाब से भी क्या हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष, तो इसका मतलब कौन सा है, ये तत्पुरुष समास है। अगला देखिए, हाथी शब्द का बहुवचन रूप, तो हाथी का बहुवचन हाथी रहता है, हाथी जैसे हम कहे दो हाथी वहां खड़े थे या चार हाथी जो है जा रहे थे, तो हाथी का बहुवचन हाथी होता है। लेकिन बच्चों आजकल एचएससी ने पूछे भी, वो भी ध्यान रखना, इनके तिरेक रूप बना देते हैं, तो तिरेक रूप में इसका हाथी का होता हाथियों, क्या होता हाथियों, कि हमें हाथियों से प्रेम करना चाहिए, हाथियों से वाक्य में जब प्रयोग होता है तो उस टाइप से होता है, तो ये तिरेक रूप है, वैसे हाथी का बहुवचन हाथी होता है। अगर ये दोनों ऑप्शन में आ जाए या ये ऑप्शन में ना हो तब इसको हम प्रायोरिटी देंगे। नेक्स्ट अगला देखिए, दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो दांतों तले उंगली दबाना पहले भी आया था, आश्चर्य प्रकट करना, आश्चर्य प्रकट करना, जैसे हम कहते हैं कि कुतुब मीनार की ऊंचाई देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा देते हैं, कुतुब मीनार की ऊंचाई देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं, तो आश्चर्य प्रकट करना, बहुत अधिक आश्चर्य होना। अगला, कूल शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग जोड़ा जाता है, कूल के साथ, तो ए ऑप्शन प्रतिकूल, ठीक है, बेकूल नहीं हो सकता, नाकूल नहीं हो सकता, प्रकूल नहीं हो सकता, तो कूल शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग है, प्रतिकूल। अगला, घोड़ा नहीं चलता, इस वाक्य को भाववाच्य में लिखिए, इंपॉर्टेंट है बच्चों, घोड़ा नहीं चलता भाववाच्य बनाना है, तो वाच्य के लिए वैसे तो हम एक अलग से वीडियो डालेंगे स्पेशल, क्योंकि थोड़ा सा कठिन टॉपिक होता है, वैसे तो आसान है लेकिन बच्चे ध्यान कम देते हैं तो कठिन हो जाता है, तो यहां फिर भी हम कुछ स्टेप आप देखो उनसे आपको पता चल जाएगा। पहला ये है कृत्रिवाच्य में, और कृत्रिवाच्य से जब कर्मवाच्य बनाते हैं
कर्मवाच्य, सॉरी भाव बनाना है ना, भाववाच्य बनाना है, तो भाववाच्य के बारे में पढ़ेंगे। जब कृत्रिवाच्य से भाववाच्य बनाते हैं तो क्या होता है? पहला, कर्ता के साथ से दवारा या के दवारा लगा जाता है, तो कर्ता या कौन है? घोड़ा, तो घोड़ा या घोड़े से, तो ये तो हो ही नहीं सकता, घोड़ा चला नहीं, घोड़ा नहीं चलेगा, दो तो चले गए। इस तरह पहचानना होता है बच्चों, अगर आपको नॉलेज है तो पूरा बढ़ने बजाय घोड़े से इसमें भी है, घोड़े से भी इसमें भी है। क्यों? पहली बात, भाववाच्य में कर्ता के साथ से द्वारा के द्वारा विभक्ति चिन्ह लगते हैं, तो घोड़े से हो गया। अब ये दो ऑप्शन में रह गया। अगली बात, क्रिया जो होती ना, क्रिया वो उस भाववाच्य में सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष में होती है, एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष में। अब यहां तो घोड़े से नहीं चली गई, वैसे भी वाक्य अशुद्ध है, आपने वैसे ही देख लिया घोड़े से नहीं चली गई, वर्ण की जरूरत नहीं था, तीन वाक्य अशुद्ध है, तो यही ऑप्शन बचा, घोड़े से चला नहीं जाता, एक वचन में है, इसके अलावा पुल्लिंग में है और अन्य पुरुष में है। तो अगला देखिए, सु प्लस आगत स्वागत है, कौन सी संधि है बच्चों? तो आप जानते हो यण संधि है, यण संधि हमने कई बार पढ़ी है, ये क्या है? सै प्लस ऊ प्लस आ गत को यों का लिख दो, सु है ना, सै प्लस ऊ प्लस आ प्लस गत को यों का लिखो, ऊ के आगे आ भिन्न स्वर है तो ऊ वै में परिवर्तित हो जाता है, ऊ के आगे भिन्न स्वर तो ऊ वै में परिवर्तित, तो सै आधा वै प्लस आ वा गत स्वागत, ठीक है। तो अगर ऊ या ऊ के आगे कोई भिन्न स्वर आ जाए, ऊ या ऊ के आगे कोई भिन्न स्वर आ जाए तो ऊ या ऊ वै में परिवर्तित हो जाता है, ये किसका उदाहरण होता है? यण का, ठीक है। जैसे अगर इसमें पूछ ले आपको उपसर्ग क्या है, तो स्वागत का संधि विच्छेद सु प्लस आगत होता है, तो उपसर्ग क्या होगा? सु होगा, उपसर्ग क्या होगा? सु होगा, ठीक है। जैसे बच्चों अनु प्लस इति अन्विति बनता है, अनु प्लस इति क्या बनता है? अन्विति, यण संधि का उदाहरण है। क्यों? ए प्लस ये क्या है? न प्लस उ प्लस ई और ती को यों का लिखो, क्योंकि हम यों का क्यों लिख रहे बच्चों? क्योंकि हमें ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, तो जहां संधि होनी है सिर्फ वहीं पे हम क्या करेंगे, वहीं पे इसको वो कर लेते हैं विच्छेद, तो ऊ क्या गई भिन्न स्वर तो ऊ किस में? वै में, तो अ न आधा वै, वै पे ई की मात्रा, छोटी की मात्रा, आधा अक्षर तो इससे पहले से उठेगी, अनविति। तो अनविति में अगर आपको उपसर्ग पूछे तो अनुपसर्ग है। नेक्स्ट, अगला, सही वर्तनी का चयन कीजिए, तो सही वर्तनी इसमें क्या है? अभिव्यक्ति, ए ऑप्शन अभिव्यक्ति। या एक थोड़ा सा चीज ध्यान देना बच्चों, हम व्यक्ति यूं लिखते हैं, ठीक है, व्यवहार यूं लिखते हैं, लिखते हैं ना, व्यक्ति भी यूं व्यवहार भी यूं, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है दरअसल, कि हमें एक आदत सी पड़ जाती है यह से पहले आधा वर्ण लिखने की, ऐसा यण संधि में होता है, यह से पहले क्या होता है? आधा वर्ण आता है, तो हमें एक आदत सी पड़ जाती है इस चीज की, कि यह से पहले हम आधा लिखते हैं मोस्टली, तो उसका खामियाजा हम कहां भुगतते हैं वो देखो। जैसे हम लिखते हैं वैशक शब्द, वैशक, तो ये अशुद्ध है, ध्यान रखना, वैशक ये होता है, वह पूरा आएगा वैशक में, वह होता है उम्र, इससे बनता है वैश में कै प्रत्यय लगने से वैशक, ठीक है। तो इसलिए ये ध्यान रखना, क्योंकि हमारी आदत बनी होती है, जहां ये आता है उससे पहले मोस्टली क्या लिखते हैं, बहुत जगह यण संधि में हर जगह ही लिखते हैं अन्वय, वैसे पहले भी आधा, क्योंकि यह भी यण संधि होती है, यह वह और रह, यह वह और रह, इनसे पहले आधा वर्ण होता है, तो मोस्टली क्या होती है? यण होती है, ठीक है। तो यह भी यण का उदाहरण है, पीछे पढ़ा था हमने। तो बच्चे हम क्या बात कर रहे थे, कि यह से पहले आधा वह,
या कोई भी आधा वर्ण लिखने की हमें आदत होती है, कि ज्यादा वर्ड होते हैं इस टाइप के, तो उसका खामियाजा हम यहां भी भुगतते हैं। वैसक यूं गलत है, यूं आएगा वैसक। इसके अलावा जैसे एक शब्द है अभ्यारण्य, अभ्यारण्य, तो यह भी गलत है बच्चों, ये भी यूं आएगा भय पूरा अभ्यारण्य। ठीक है, क्यों? भय शब्द से बना है ये, भय होता है डर, भय यूं लिखते हैं ना, भय होता डर। ए अगर शुरू में उपसर्ग के रूप में आ जाए तो नेगेटिव और देता, अब है बिना डर का। प्लस अरण्य होता है जंगल, तो ऐसा जंगल इसमें जीव जंतु बिना किसी डर के स्वच्छंद रूप से विचरण कर सके, क्या कहलाता? अभ्यारण्य। इसी प्रकार एक शब्द होता है अतिशोक्ति, हम मोस्टली यूं लिख देते हैं उसको, तो यह भी गलत है। तो अतिशोक्ति में शय क्या आएगा? पूरा। ऐसी गड़बड़ होना स्वाभाविक इसलिए क्योंकि बच्चों हमें यह से पहले आधा वर्ण लिखने की आदत होती है, बहुत से वर्ड ऐसे हमारे, तो ये शय आधा नहीं आएगा, शय क्या आएगा? पूरा आएगा। तो इनका भी आप साथ में ध्यान रखना कि चाहे आपके पास वैशक शब्द हो तो वह पूरा, अभ्यारण्य शब्द हो तो ये गलत है यहाँ, भय पूरा, और अतिशोक्ति शय आधा गलत है, शय पूरा। ठीक है, हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए, सुमेलित करना है 86, ये 86 आ, आ एक में ही है, तो इस प्रकार कई बार आप टाइम बचा सकते क्योंकि पहले का आ से हुआ है मेल, तो पहला आ एक ऑप्शन में, क्योंकि यहां क्या है ई, यहां क्या है ई, यहां क्या है ए, नहीं हो सकता, तो एक ही हुआ, तो इस तरह हमारा टाइम भी बच सकता है। इस तरह की चीज आपको बार बार प्रैक्टिस से होंगी ये चीजें आपकी। 58 ये ठीक है, तो दूसरा ए, 32 ये ठीक है, और 39 ये ठीक है। अगला, मेरी बहन स्कूल से आई है, तो बहन का पद परिचय देना है, बहन, तो बहन शब्द आप जानते हो जातिवाचक संज्ञा होती है, कौन सी जातिवाचक? अब देखो पूरा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उससे पहले आंसर हमारा मिल गया, थोड़ा सा ध्यान दो तो बच्चों आंसर यूं मिलते हैं, क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते, क्योंकि यह सर्वनाम है, यह नहीं हो सकता, यह व्यक्तिवाचक है नहीं हो सकता, भाववाचक है नहीं हो सकता, तो एक ही ऑप्शन बचा जातिवाचक। और पूरे पे डिस्कस करें तो बहन देखो जातिवाचक है बिल्कुल, कर्ता कारक है बिल्कुल है, बहन स्कूल से आई है, कहा क्रिया को करने वाला कर्ता होता तो कर्ता भी है, स्त्रीलिंग है बहन बिल्कुल, एक वचन है बिल्कुल है, तो ये इसका पद परिचय हुआ। अगला, वीर रस का स्थायी भाव, अभी पिछले पेपर में ही पढ़ा था, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। भय किसका है? भयानक रस का। जुगुप्सा या घृणा किसका? विभत्स रस का। और शौक किसका है? करुण रस का। तो ये बार बार पढ़ो बच्चों। तो ये हमारा था 10 नवंबर 2018 को ग्रुप डी मॉर्निंग सेशन का जो पेपर था वो। तो बच्चों अगला हमारा क्वेश्चन है, हमारा अगला जो पेपर HSC ग्रुप डी 10 नवंबर 2018 इवनिंग सेशन का पेपर है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है इसका, पानी का पर्यायवाची नहीं है, इस पे जरूर ध्यान रखना बच्चों, नहीं है। तो बच्चों पानी का पर्यायवाची पावक नहीं है, पावक किसका होता है? आग का। ठीक है, चाहे अग्नि कहो, पहले भी आया था ये हमारा, अग्नि से बना आग, क्योंकि ये तत्समय तद्भव है, आग, पावक, हुतासन, वैश्वानर, हुतभुग, ठीक है, ज्वाला, दहन, ये किसके पर्यायवाची हैं? आग के। और पानी के पर्यायवाची ये भी पहले हमने पढ़े थे, उदक है, वारी है, अंबु है, जल है, नीर है, अप है, इसके अलावा निम्नगामी, नीचे बहता ना, तो निम्नगामी कहते हैं, निम्नगामी, नीचगामी, नीचे बहता इसीलिए, इसके अलावा जीवन, ठीक है, तो जल, नीर, वारी, अंबु, तोय भी होता है, पय भी होता है, पय दूध को भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, ध्यान रखना। तो नेक्स्ट अगला देखिए, डूबते को तिनके का सहारा, मुहावरे का अर्थ क्या है? ठीक है, डूबते को तिनके का सहारा,
कोई बंदा डूब रहा है और उसको अगर तिनका ही पकड़ने को मिल जाए तो हो सकता है उसको क्या है निकलने मदद मिल जाए, तो चालाकी से काम करना तो नहीं हो सकता इसका, अधिगमंड करना भी नहीं हो सकता, प्रतिकूल कार्य भी नहीं कर रहा वो, तो निराशा में आशा की झलक। ठीक है, डूबते को तिनके का सहारा मिल गया, मतलब निराशा थी बहुत सारी उसमें आशा की झलक लगना वो क्या कहलाता है, डूबते को तिनके का सहारा। अगला, जहां किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर किया जाए, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए तो कौन सा अलंकार होता है बच्चों, अतिशोक्ति। तो अतिशोक्ति के बारे में अभी हमने पढ़ा था कि इसको वर्तनी में आ जाता है कई बार, ये शय क्या होता है पूरा, क्योंकि अतिशोक्ति दो शब्दों से मिलकर बनता है, अतिशय प्लस उक्ति, अतिशय का अर्थ बढ़ा चढ़ाकर, बढ़ा चढ़ाकर, उक्ति का अर्थ होता है कही गई बात, अतिशय बढ़ा चढ़ाकर उक्ति कही गई बात, यानी कि काव्य की जिन पंक्तियों में किसी वस्तु के गुणों का वर्णन लोक सीमाओं से बढ़ा चढ़ाकर किया जाए, अतिशय प्लस उक्ति, अतिशय बढ़ा चढ़ाकर उक्ति कही गई बात, काव्य की जिन पंक्तियों में किसी वस्तु के गुणों का वर्णन लोक सीमाओं से बढ़ा चढ़ाकर किया जाए तो अतिशोक्ति अलंकार होता है। जैसे बच्चों, पंखुरी लगे गुलाब की, पंखुरी लगे गुलाब की, पर ही गात खरोट, पर ही गात खरोट, पंखुरी लगे गुलाब की पर ही गात खरोट। कवि जो है नायिका के नाजुक शरीर का वर्णन करता है कि उसका शरीर इतना नाजुक है, कितना नाजुक है कि पंखुरी लगे गुलाब की, अगर गुलाब की पंखुड़ी भी लग जाए तो पर ही गात खरोट, गात होता शरीर, खरोट खरोच, अगर गुलाब की पंखुड़ी भी लग जाए तो शरीर में खरोच उत्पन्न हो जाए, शरीर में खरोच आ जाए। तो बच्चों ऐसा नहीं हो सकता, शरीर बहुत कोमल हो सकता है, बहुत नाजुक हो सकता है, लेकिन इतना भी नहीं कितना कि पंखुड़ी लगने से खरोच आ जाए। गुलाब की पंखुड़ी जानते हो कितनी कोमल होती है, उसके लगने से खरोच नहीं आ सकती। तो यहां क्या कर रहा है, बढ़ा चढ़ा के, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के वर्णन कर रहा है, इसलिए कौन सा अलंकार है, अतिशोक्ति। जैसे आपने पढ़ा होगा कि आगे नदिया पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, कि आगे नदियां अपार, यह अपार शब्द लिख दिया कवि ने, जिसको कोई पार नहीं कर सकता, ऐसी नदी पड़ी हुई है, और घोड़ा कैसे उतरे पार, घोड़ा इसको कैसे पार करेगा, राणा ने सोचा इस पार, राणा इधर खड़ा होकर सोच ही रहा, तब तक चेतक था उस पार। कहता सोचने से पहले अपार नदी को पार कर जाए, इतना भी नहीं था बच्चों, यहां बढ़ा चढ़ा के वर्णन कर रहा है, इसलिए कौन सा अलंकार है, अतिशोक्ति। जैसे इतना रोया था मैं उस दिन, कवि किसी की विरह वेदना में लिखता है, इतना रोया था मैं उस दिन, कितना कि ताल तलैया सब भर डाले, जोड़ तालाब गड्ढे सारे भर गए, ऐसा नहीं हो सकता ना, जोड़ तालाब गड्ढे रोने से नहीं भरे जा सकते। तो यह क्या कर रहा है, कवि बढ़ा चढ़ा के वर्णन कर रहा है, इसलिए कौन सा अलंकार है, अतिशोक्ति। तो काव्य की जिन पंक्तियों में किसी वस्तु के गुणों का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाए, अच्छा वर्णन लिखा हुआ है बच्चों यहां, किसी वस्तु का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाए तो वह कौन सा अलंकार होता है, अतिशोक्ति। अगला, मां बच्चे को दूध पिलाती है, इसमें कर्मवाच्य में लिखिए, कर्मवाच्य में लिखना है बच्चों। तो पहले तो देखो, जिसको पूरा नहीं आता वो ये देख लो, उन ऑप्शंस को हटा लो जो सेंटेंस सही नहीं है। मां से बच्चे को दूध पिला जाता है, ये सेंटेंस सही है, मां से बच्चे को दूध पिलाई जाती है, गलत, मां से बच्चे को दूध पिलाई गई, गलत, क्योंकि दूध क्या है, पुलिंग, और मां ने बच्चे को दूध पिलाया, तो मां ने बच्चे को दूध पिलाया, ये तो टेंस ही चेंज हो गया, टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। यहां क्या कहती है, पिलाती है, मतलब वर्तमान काल की बात कर रहा है, और दूध पिलाया किसकी बात कर रहा है, भूतकाल की, यह कौन सा है, वर्तमान काल। तो बच्चों वाच्य अगर बदलेगा तो उसी काल में, भूतकाल का भूतकाल में, वर्तमान का वर्तमान काल में, और भविष्य का भविष्य काल में, तो यह ऑप्शन भी नहीं हो सकता, तो एक ही ऑप्शन बचा। और वैसे हम पढ़ चुके हैं यह कर्तृवाच्य, इसको कर्मवाच्य बदलेंगे तो कर्ता के साथ से द्वारा के द्वारा लगाएंगे, तो मां से, ठीक है, बच्चे को दूध, ठीक है, क्योंकि कर्मवाच्य में परिवर्तित कर रहे हैं, तब क्रिया किसके अनुसार चलेगी, कर्म के लिंग वचन के अनुसार,
कर्म क्या है? दूध। दूध का क्या है? एक वचन और पुलिंग, तो क्रिया भी पुलिंग में आ गई, पिलाया। दूसरा, कर्मवाच्य जब बनाते हैं तो सहायक क्रिया जाना अपने आप आ जाती है, तो जाता है। जाता क्यों आया? क्योंकि वर्तमान है, पिलाता, तो जाना सहायक क्रिया आएगी, तो जाता है, जाती है, वर्तमान में ये चलेंगी, भूतकाल में गया, गई, ये होंगे, भविष्य में जाएगा, जाएगी, बनेगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हुआ? ए। अगला देखिए, सही वर्तनी का चयन। बच्चों परिस्थिति ये सही है, परिस्थिति यो लिखते हम, अगर उपसर्ग पूछ ले इसमें तो क्या है? परी। अगला देखिए, प्रति प्लस एक, प्रत्येक, कौन सी संधि है बच्चों? तो यहां इस तरह के जो सेंटेंस ऐसी दे उनमें तो आपका टोटका भी काम आ जाता है, यह से पहले याद आता है, इसका मतलब क्या है? यण, भाई यह व र से पहले आधा वर्ण हो, आधा वर्ण, तो मोस्टली, हर टाइम नहीं बच्चों, बार बार कह रहा हूं मैं ये बात, क्योंकि सारी चीजें तो फिर डिटेल से पढ़नी पड़ेंगी, ये तो एक टोटका है, मोस्टली कौन सी होती है? यण संधि। और वैसे इसका वर्ण विच्छेद करो, ये प्र, तय प्लस ई, प्लस ए और प्लस क, ई के आगे ए, भिन्न स्वर, तो ई किस में? यह में, तो क्या बना? प्र, तय आधा, यह पे की मात्रा, प्रत्येक, तो प्रत्येक का संधि विच्छेद प्रति प्लस एक, उपसर्ग क्या आएगा? प्रति। बच्चों उपसर्ग के लिए संधि का ज्ञान होना जरूरी है, कई जगह तो उपसर्ग आपको सीधा दिखाई देगा, सिर्फ पिछले में था प्री, और कई जगह जैसे पर्यावरण, पर्यावरण में आपको किसका सहारा लेना पड़ेगा? संधि का। तो संधि का चैप्टर जो है वो बड़ा डिटेल से डला हुआ है, 6 या 7 वीडियो हैं संधि की, उनको डिटेल से कर लो बच्चों, वो संधि में काम आएगी, वर्तनी में काम आएगी, उपसर्ग में काम आएगी, इसके अलावा कई बहुत से पर्यायवाची साथ में डिस्कस किए हुए हैं, तो उनको पढ़ना ना भूले। अगला क्वेश्चन देखिए, धर्म से भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट कौन सा समास है? तो बच्चों आप जानते हैं तत्पुरुष समास है, क्योंकि बीच से विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है, विभक्ति चिन्ह का लोप, और विभक्ति चिन्ह का लोप किसमें होता है? कर्म, क्योंकि कर्म के विभक्ति चिन्ह के लोप के आधार पर, कारक चिन्ह के लोप के आधार पर 6 भेद होते हैं ना, कर्म तत्पुरुष को का लोप हो जाए, कर्ण तत्पुरुष से द्वारा, के द्वारा का लोप हो जाए, संप्रदान तत्पुरुष के लिए का लोप हो जाए, अपादान तत्पुरुष से अलग होने के अर्थ में का लोप हो जाए, संबंध का के की का लोप हो जाए, अधिकरण में पर का लोप हो जाए, तो यहां धर्म से भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट, तो यह तत्पुरुष है कौन सा? अपादान तत्पुरुष का उदाहरण है। अगला, टोपी शब्द का बहुवचन बहुत बार पढ़ चुके हैं बच्चों, टोपियां, बड़ी छोटी में परिवर्तित और यहां प्रत्यय। अगला देखिए, रौद्र रस का स्थायी भाव, यह भी बहुत बार आ गया, रौद्र रस का क्या है? क्रोध। क्रोध किसका स्थायी भाव है? रौद्र रस का। शोक किसका है? करुण रस का। विस्मय किसका है? आश्चर्य रस का। बच्चों एक चीज ध्यान देना, शायद हमने छोटी सी मिस्टेक की है पीछे, हमने इसको उल्टा बता दिया शायद। रस कौन सा होता है? आश्चर्य, और स्थाई भाव क्या होता है उसका? विस्मय, और भय किसका है? भयानक का। आगे चलिए, सुमिलित करना है, 82, 82 नहीं है बच्चों, ये मिसप्रिंट है, 82, तो 82 पहले का ई से, तो पहले का ई एक में, ये बच्चों यहां आ है ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, यहां ए है नहीं हो सकता, तो इतने से ही कई बार क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाता, ताकि हम जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम का बहुत महत्व होता है कि दिए गए टाइम में हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो इस तरह की चीजें आपको आनी चाहिए, और ये तब होगी जब लगातार आप बार बार ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। पूरा करके देखो, 44 ऐसे है, 72 जो है वो किससे है? आ से, और 49 ई से, तो ई दूसरा आपका 44 ऐसे, फिर जो 72 है वो आपका आ से और 49 ई से। नेक्स्ट देखिए, मेरी बहन स्कूल से आई है, इस वाक्य के आई है पद का, आई है इस पद का परिचय देना है, आई है का, ठीक है, ये हमने परिचय देना है बच्चों। तो ये सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है, क्या है ये? एक वचन है, स्त्रीलिंग है,
कौन सा काल है। ठीक है, तो अगर हम बात करें काल की, देखो अगर जिसको पूरा नहीं पता तो भी देख सकता है, आई है भविष्य काल में तो नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं होगा, भविष्य काल में आई है नहीं, आएगा आएगी ये होते हैं। ठीक है, अच्छा ना ये भूत, ये वर्तमान काल में, ये ऑप्शन में नहीं हो सकता। तो दो ऑप्शन तो आपके चले गए, अब आपके पास क्या रहा, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया भाववाच्य, ये भाववाच्य नहीं है, ये क्या है, कृतृवाच्य। क्या है, कृतृवाच्य, क्योंकि भाववाच्य की जो क्रिया होती है वो हमेशा पुलिंग में होती है। किसमें, पुलिंग में, एक वचन में होती है, एक वचन तो है लेकिन पुलिंग नहीं है। ठीक है, और अन्य पुरुष में होती है, तो इसे भाववाच्य भी नहीं है, ये भी नहीं है। अगर पूरा भी नहीं पता तो इस टाइप से आप अंदाजा लगा सकते हो बच्चों। तो क्या है, अकर्मक क्रिया। ठीक है, अकर्मक क्रिया कृतृवाच्य है, आसन भूतकाल है, क्योंकि मेरी बहन स्कूल से आई, ये कौन सा काल होता, मेरी बहन स्कूल से आई, ये होता हमारा सामान्य वर्तमान, और सामान्य वर्तमान के आगे है, हैं, हूं, ये लग जाए तो आसन भूत बन जाता है, तो आई है। तो कौन सा ऑप्शन, इन दो ऑप्शन में से एक ही हुआ, और वो कौन सा है, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आचार शब्द के लिए सही उपसर्ग कौन सा है, आचार के लिए क्या उप हो सकता है, नहीं, उपाचार शब्द नहीं बनता, ना प्लस आचार नहीं बनता, नाचार, अप प्लस आचार अपाचार नहीं होता, क्या है, दुर। ठीक है, दुर प्लस आचार, दुर प्लस है आचार, तो क्या बना, दुराचार। तो दुराचार जो शब्द है वो किससे बना, आचार में दुर उपसर्ग लग के, क्या लग के, दुर। तो इसमें कौन सा उपसर्ग जोड़ा जाता है, दुर, तो हो जाएगा बच्चों। तो ये HSC ग्रुप डी में जो हमारे क्वेश्चन आए थे उसके जो 8 सेट थे, वो 8 के 8 सेट हमने डिस्कस किए हैं। तो बच्चों इनको आप बार बार पढ़िए, जो चीज़ नहीं समझ में आती उसको आप नोट कीजिए, अपनी पुस्तकों से खोजिए, या हमें कमेंट करके लिखिए, हम अगली वीडियो में उसका जवाब देंगे आपको, या हो सकता है स्पेशल डाउट की एक वीडियो बना दें। ठीक है, तो जो आपका ये टाइम है उसको यूटिलाइज कीजिए, किस तरह से हमें आगे की बेहतर रणनीति बनानी है, ताकि जब भी कोई वैकेंसी आए, जब भी कोई एग्जाम आए, तो हमारा 100% सिलेक्शन हो। ठीक है, वहां कोई भी औपचारिकता ना रहे, हमारा पूरा जो है ध्यान अब किस पे होना चाहिए, आगे की रणनीति पे होना चाहिए, मैक्सिमम कितनी मेहनत कर सकते हैं। ठीक है, तो और वीडियो में भी हम आपको बाकी जो हमारे HSC प्रीवियस क्वेश्चन है, जो हमने सीरीज चलाई इसके अंतर्गत पूरे करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।